हरे कृष्ण, इसका थोड़ा एक और कम कर दो। हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाभदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ बर्हापिडं नटवरबभुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासकनककभिषयं वैजयन्तीजमालं रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पुरयान गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राभिषस्तात गीतकीर्ति राधाकरावचितपल्लवभल्लरीकी राधापदाङ्कविलस मधुरस्थलीके राधाम्जसमुखं खङ्गाङ्गबलीके राधाविहारविपिनय रमताङ्गमनोमे भक्त्याविहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तासि कामादितरङ्गमध्यै कृपा मयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्भरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट जुग्म सुमतीर रघुनाथ दास श्रीजीव मिकुरुत मंद मतीर दयांगभरा तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं स्रुहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवतं स्वरूपं। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहका तर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री
श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जथा जुगे प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को। हमारे संतों लोगों का कहना है अगर किसी ग्रंथ की महिमा को हम समझना चाहते हैं वो ग्रंथ को ऊपर में चार विषय पर विवेचना करनी चाहिए। पहला नंबर है ये भागवत कथा कौन सुन सकता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कथा वही सुन सकते हैं बोले जन्मांतरी भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। कहते वही व्यक्ति ये भागवत कथा सुन सकते हैं जिनकी कोई करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य जब उदय हो। अगर कोई बोले हम तो बड़े पाप कर्म किया है फिर क्या ये कथा नहीं सुन सकते हैं। इसलिए ये पद्म पुराण में उदाहरण दिया भैया पापी से पापी भी कथा सुन सकता है। जैसे धुंधुकारी जब गोकर्ण ने इनके नाम पर गया में पिंड देकर के आए देखा फिर वो प्रेत बनकर बैठा हुआ। गया में भगवान का चरण चिन्ह है भगवान का वरदान है। अगर कोई गया आए अपना पितृपुरुषों के उद्देश्य में एक बार कोई पिंड दे दे उसको सारे पाप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर धुंधुकारी कहता है अगर मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे तभी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मतलब ये इतने बड़े पापी था लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति मिली कैसे बोले भागवत कथा से। तात्पर्य यह है अगर हम पापी से पापी क्यों नहीं हो एक बार आ करके ये भागवत कथा में बैठ जाओ और कथा को नियम से कथा को सुन लो। अगर एक प्रेतात्मा को अगर उसको सदगति हो सकती है भैया हम तो जीवात्मा है हम तो इंसान है कि फिर हमारे कल्याण नहीं होगी जरूर होगी। इसलिए कहते पापी से पापी भी सुन सकता है। अगर कोई बोले अरे हम बहुत भागवत कथा सुनी है हमें ये सब कथा बता सुनने का जरूरत नहीं हम सब पढ़ रखे। इसके लिए उदाहरण देते हैं आप सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े विद्वान नहीं हो जिसने मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे जो बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे लेकिन वो निकलते ही कहते जब प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम वो निकलते ही जंगल में चले गए और ऐसे तैसे ब्रह्म ज्ञानी नहीं बोले परिनिष्ठित नरगुण उत्तम श्लोक ले गया। एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। कहते वो पूरा ब्रह्म में डूबे हुए व्यक्ति थे इतने बड़े विद्वान लेकिन भागवत का जो एक श्लोक सुने ना वो पागल हो गए एकदम पागल होकर सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को त्याग दे दिया और उन्होंने आए और ये पूरी भागवत कथा को सुने। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया भागवत कथा को एक ज्ञानी से ज्ञानी भी सुन सकता है और एक पापी से पापी भी कथा सुन सकता है। अगर कोई बोले हम तो बहुत सुन रखे हमें सुनने का जरूरत नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले राम कथा जय सोना ता अघाई राधा विशेष सजना का
अगर कोई बोले हम तो कथा सुनते सुनते बोर हो गया भैया, कितने सुने सुनाई कथा सुनो। अब देखना हम लोग, अब लोग रोटी खाते ना चावल खाते, दोनों खाते होंगे ना। एक टाइम अगर रोटी हमें नहीं मिले ना तो लगे हाई रोटी, दिन भर रोटी का मुंह ही नहीं देखा। अगर भैया रोटी में अगर इतने स्वाद हो फिर भगवान कथा में नहीं। इसलिए श्री पृथ्वी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु अगर हमें 10,000 कान दे तो हमें, बोले 10,000 कान किया करके दो कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ पर दो कान हो जाए, सारा शरीर में अगर कान ही कान हो जाए देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी। कहते हमें 10,000 कान दे दो। बोले 10,000 कान लेकर क्या करोगे? बोले कृष्ण कथा इतने मीठा है, राम की कथा दो कान में सुनकर हमें आनंद नहीं मिल रहा है। अगर मेरे 10,000 कान होना तभी तुम्हारी कथा सुनकर हमें आनंद आएगा। इसका एक तात्पर्य है, कान तो दो ही हो लेकिन दोनों कान में कृष्ण कथा सुनने का इतने शक्ति हो, 10,000 कान में जितने शक्ति है। और हमारे संप्रदाय में एक संत कहते हैं, बोले तुंडे तांड विनिमित विकलुते तुंडा बलि लब्धै करना क्रडो कडविनि घटयते करना बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संग निरचयते सर्वे इंद्रियाणां कृति नो जनि जनित अद्भुत कृष्णेति वर्णद्वय। वो संत कह रहे हैं ठाकुर जी ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, इतने सुंदर भगवान की कथा सुनने के लिए दो ही कान क्यों दिए? कहते अगर हमें करोड़ों करोड़ों कान देते ना तभी कृष्ण कथा सुन करके आनंद होता। इसलिए कर्ण करोड़ों कड़विनि घटयते हैं, बोले चेत प्रांगण संग निरचयते। कहते जब ये हृदय में प्रवेश करता है सारे जड़ इंद्रियों को स्तब्धीभूत करके मान हृदय में भगवत कथा रस की जैसे धारा जैसे हृदय में बरसती है। बोले जिह्वा पर जब उदय होता है बोले तुंडे तांडव निमित विनुते तुंडावलि लब्धै, जैसे शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं ये जिह्वा वैसे ही ऐसे थिरकने लग जाती है जिह्वा, जैसे शंकर जी का जैसे तांडव नृत्य, जैसे शंकर जी एकदम कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के जैसे शंकर जी नृत्य करते हैं ये जिह्वा भी ऐसे थिरकने लग जाती है। इतने कृष्ण नाम राम नाम इतने मीठा है। इसलिए भगवान की कथा जितने सुनो, जितने भगवान की कथा सुनो। नारद जी भगवान से यही वरदान मांगे, भगवान जब बोले नारद जी मेरे को वरदान मांगो, बोले प्रभु तुम्हारी कथा सुनकर जैसे किसको तृप्ति नहीं हो, बोले जितना सुने और सोचे और सुने और सुने और सुनते रहे। इसलिए कथा को कौन सुन सकते हैं? बोले पापी से पापी भी सुन सकते हैं और ज्ञानी से ज्ञानी भी कथा सुन सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कथा सुने तो कहाँ से सुने? यहाँ पर कहते हैं कथा सुनना तो वैष्णव से सुनो, जहां तक कथा नहीं सुनने चाहिए भागवत मना किया है। ये भागवत को बताया, ये भागवत क्या, ये कल्प वृक्ष है, इससे जो मांगोगे वही देगा लेकिन ये सही फल कब देगा? तो जब वैष्णव से कथा सुनोगे तभी इसकी सही फल मिलेगा, नहीं तो कथा अलग फल मिल जाएगा। फिर उदाहरण दिया जैसे समुद्र मंथन से विष भी निकला और वहां अमृत भी निकला, दोनों चीज निकली। अगर ये भागवत को मंथन करेगा तो दो चीज निकलेगा, अगर वैष्णव से सुनोगे फिर तो ये अमृत देगा, अगर ज्ञानी से कर्मी से योगी से सुनोगे फिर ये अमृत नहीं देगा जहर ही देगा। इसलिए पद्म पुराण में एक श्लोक बताए, बोले अवैष्णव मुखत गिरणम हुतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापयम। एक सुंदर उदाहरण देकर समझाए, जैसे दूध पीने पर क्या होता है,
हृष्ट पृष्ट खुदा निवृत्ति ताकत आएगा। लेकिन वही दूध में जब सांप मुंह मारते वो देखने के लिए तो लग गया दूध है, लेकिन उसको पियोगे ना ये मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए कहते कथा सुनो वैष्णव, सही कथा सुनो। इधर उधर व्यक्ति से कथा सुनने के लिए मना कर दिया शास्त्र, नहीं तो वह जहरी जहर निकलेगा। क्योंकि इनके हृदय में वास्तव रूप में भागवत का जो तात्पर्य है ना, उनका हृदय में प्रकट नहीं होगा। वो ज्ञान कर्म जो का तरफ में ले जाएंगे, प्रभु का प्रेम का तरफ में भक्ति तरफ में नहीं ले जाएंगे। इसलिए कथा सुनो तो वैष्णव से कथा सुनो। बोले तीसरा जो विषय वस्तु बताए, बोले भागवत का विषय वस्तु क्या है? कहते भागवत का जो विषय वस्तु वो साधारण वस्तु नहीं है। बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण जाकल्पिता। बोले भागवत का जो विषय है बड़ी हाई फाई विषय है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की कथा, जहां पर कोई ग्राम्य कथा नहीं, कोई दुनियादारी बात भागवत में है ही नहीं। इसलिए इसका नाम भागवत। भागवत मतलब क्या? बोले भगवत प्रोक्तम इति भागवतम। कि भागवत कहां से निकली है? बोले भगवान स्वयं ब्रह्मा को ये चतुश्लोकी रूप में प्रदान करते हैं। अतएव ये भागवत मतलब भगवान के मुंह से निकली भागवत। दूसरा अर्थ किया? बोले भागवतम कथाम इति भागवतम, जिसमें केवल शुद्ध संतों की भक्तों की चरित्र है, जिसमें अम्बरीश महाराज की कथा, जिसमें ध्रुव चरित्र है, जिसमें नारद चरित्र है, जिसमें प्रहलाद की चरित्र है, जिसमें ब्रज गोपियों की कथा है। इसलिए जिसमें केवल भगवत चरित्र जिसमें है, कहती ये श्री भागवत है। इसलिए एक श्लोक में बताए, बोले इसमें चार अक्षर है, भा ग ब और त। मतलब क्या है? बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, बोले ग बोले गीयते नारदादि भी, बोले ब बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, बोले त बोले तरणी च भवार्णवा। भा मतलब होता है जिसकी प्रकाश सर्वत्र प्रकाश है। इसलिए स्कंद पुराण में उद्धव जी खुद कहते हैं, बोले मेरे गुरु जी मेरे को एक बात बताए थे। बोले क्या बात बताए थे? बोले जिस समय भगवान बांके बिहारी ने ये जगत को सृष्टि की, तो उन्होंने तीन देवता को उन्होंने प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारी काम सृष्टि, शंकर जी को काम बोले तुम्हारी संहार, और श्री विष्णु को बोले तुम्हारी काम पालन। अभी ब्रह्मा जी आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद है सो सृष्टि को मैं पालन कर सकता हूँ, सृष्टि कर सकता हूँ, लेकिन ये सृष्टि रजोगुण का काम है। बोले ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान बोले अगर ये भागवत कथा को 7 दिन तक तुम सुनोगे, फिर ये रजोगुण तुमको व्याप्त नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी 7 दिन तक ये कथा सुनते हैं। इतने में भगवान विष्णु आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से जगत को तो पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे संभालू? ये लक्ष्मी को संभालना बड़ा कठिन है, आइए बताओ ये लक्ष्मी को संभालू कैसे, इसको कैसे पालन करूं? भगवान बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुना, आप देखना दुनिया को संभाल लो, अपना लक्ष्मी को संभालना बड़ा कठिन होता है। बोले आप भी सुनो और सुनाओ। इसलिए जब नारायण कथा सुनते हैं सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती है। बोले कितने दिन तक कथा करती है? बोले 1 महीना में पूरी करती है भगवान विष्णु। जब फिर माँ लक्ष्मी कथा सुनाती है, विष्णु भी स्वयं बैठ कर कथा सुनते हैं। बोले कितना दिन में? बोले 2 महीना। कहते भगवान की कथा में जितने रस है उससे ज्यादा रस आती है माँ लक्ष्मी जब कथा सुनाती है। क्योंकि भगवान कौन है? बोले विषय विग्रह है, जैसे मिश्री। अभी मिश्री को क्या स्वाद मिश्री में थोड़ी उसको पता है, जो मिश्री खाते हैं उनको ये चीज पता है। इसलिए भगवान से भी भक्तों के हृदय में ज्यादा आनंद है। अभी शंकर जी आए, बोले प्रभु ये जो संघार ये तो तमोगुण का काम है, अभी तमोगुण से कैसे मुक्ति मिलेगी? ठाकुर जी बोले आप भी सुनो और सुनाओ। इसलिए जब शंकर जी सुनाते हैं, शंकर जी कौन है?
भले ये वैष्णव नाम यथा संभो, भगवान की जितने भक्त में सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री भोले बाबा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शंकर जी के जैसे भगवान की व्रत को, भगवान की भक्ति को कौन कर सकता है। इसलिए शंकर ही तो हनुमान बनकर के प्रभु की सेवकाई कर रहे ना। अब सुनेंगे जब प्रभु रास करेंगे, शंकर भी रास दर्शन के लिए आएंगे। इसलिए कहते शिव सम को रघुपति व्रत धारी, इसलिए वैष्णव नाम यथा संभो, शंकर जी सर्वश्रेष्ठ प्रिय भक्त अगर कोई है श्री भोले बाबा है। इसलिए ये जब कथा करते हैं, कल सुन रहे थे ना शंकर जी माता पार्वती को अमर कथा सुनाए अमरनाथ में। इसलिए जब शंकर जी कथा करते हैं, एक साल इतनी सुंदर शंकर जी व्याख्या करते हैं, उनको एक साल लग जाती है। अभी माता पार्वती कथा करती है, शंकर भी सुनते हैं। फिर माता जी कितने दिन में कथा को पूरी करते, बोले 2 साल। इसलिए माता जी का एक वैष्णवी देवी है ना, वैष्णवी मतलब क्या, वो विष्णु साक्षात वैष्णवी मतलब जो भगवान विष्णु को उपासना करती है। देखना वैष्णवी गला में तुलसी कंठी है, गले में तुलसी कंठी है। बोले एक समय एक निम्बार्क संप्रदाय के एक संत वो वैष्णवी देवी को दर्शन करने गए, जहां मंदिर है उसको थोड़ी दूर पर रह गए, बोले कल सवेरे माता जी को दर्शन करेंगे। लेकिन पहले माता जी को सामने ये बलि चढ़ती थी, जब सवेरे हुई अभी भैंस बकरा की बलि चढ़ रहे थे, भैंस बकरा तो चिल्ला रहे थे, मैं भें भें करके चिल्ला रहे थे। इतने वो संत जी ने कहा, भैया ये आवाज कहाँ से आ रहे हैं, लगता है कोई जानवर को काट रहे हैं। बोले हाँ, यहाँ पर जो वैष्णवी देवी है वहां पर बलि चढ़ती है। बोले बलि, ये तो माँ है, माँ है ना, इस जगत में क्या इंसान ही केवल उनका बच्चे और बकरी भैंस क्या उनके बच्चे नहीं, ये तो सबके सब उनके बच्चे है। सबके सब जो बच्चे हैं, पर बच्चों का खून कोई पीते हैं। बोले ये कभी माता नहीं हो, ये चंडी है, ये माता नहीं ये चंडी है, हम ऐसे चंडी को हम दर्शन नहीं करेंगे, उठा बिस्तरा चलो यहाँ से। हम तो सोच रहे थे माता जी को दर्शन करने के लिए जाएंगे, वो संत चलने लगे। इतने में जो वैष्णवी देवी था थी ना, माता जी स्वप्न दिया पुजारी को, बोले ये संत जा रहे हैं मेरे को दर्शन करने आए थे, उनको जाओ उनको चरण पकड़ कर माफी मांग करके ले आओ। और उनने आदेश दिया, आज से यहाँ पर कोई बलि नहीं चढ़ेगी, अगर मेरे सामने कोई बलि चढ़ाएगा तो उसको बंस को मैं ध्वंस कर दूंगी। माँ स्वयं आदेश दिया, बोले जाओ वो संतों को लेकर के आओ और बोलो तुलसी माला लेकर के आए और मेरे गले में ये तुलसी कंठी डाल कर दे। फिर गए वो संतों को माफी मांगी, बोले माता जी ने इन्हें स्वप्न दिया, बोले अपना हाथों से आप माता जी को गले में तुलसी कंठी पहनाओ, तब से इनका नाम पड़ गया वैष्णवी। इसलिए हम लोग वैष्णव है, सिर गले में तुलसी कंठी है ना, अब देखो माता जी गले में भी तुलसी कंठी है। इसलिए ये माता जी जब कथा सुनाती हैं, ये परम वैष्णवी है, कभी ये 2 साल तक कथा सुनाती हैं। शंकर जी जितने सुंदर कथा सुनाते हैं उससे सुंदर कथा सुनाने वाली माता जी वैष्णवी देवी। बोले श्री वैष्णवी देवी की जय। और जोर से बोलो, अभी नवरात्रि चल रही है ना, हाँ माता जी की समय है। बोले श्री वैष्णवी देवी की जय। इसलिए यहाँ पर जो भा मतलब होता है भाती सर्वेश लोकेशु, इसी भागवत के कथा पर ब्रह्मा जी जगत को सृष्टि करते हैं, शंकर जी जगत को संहार करते हैं और विष्णु जगत को पालन करते हैं, किसको द्वारा, कथा किस प्रभाव से। इसलिए इसका नाम भा, गा मतलब होता है बोले गियते नारदादि भी, बोले जिस कथा को कौन कौन गान करने वाले, स्वयं कथा को श्री नारद जी गान करते हैं, सुखदेव गोस्वामी गान करते हैं, शंकर जी गान करते हैं, ब्रह्मा जी गान करते हैं, जिस कथा को स्वयं भगवान के मुंह से भी कथा निकलती है। इसलिए कथा को सबके सब गाने वाले सबके सब भगवान की भक्त है। बोले बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, जितने शास्त्रों में अगर सर्वश्रेष्ठ शास्त्र क्या, बोले भागवत है। इसलिए हम आगे सुनेंगे जब व्यास देव जी ने सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना की, लेकिन शांति नहीं मिली। लेकिन शांति कब मिली, जब ये भागवत ग्रंथों को रचना की। इसलिए जितने पुराणों को रचना करने वाले कौन, व्यास देव है, वो स्वयं शिक्षा देते हैं।
भैया मैं ही इस सब शास्त्र को रचना करके मेरे को शांति नहीं मिली, तभी मेरे को शांति मिली जब ये भागवत रचना की। अगर जीवन में आप भी जीवन में शांति पाना चाहते हो क्या करो, ये भागवत कथा को सुना, इसी से ही आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। बोले ता मतलब बोले तरणी च भवार नवा, इसलिए कहता अपार संसार समुद्र से तुम भजा महे भागवतम स्वरूपम। अगर ये भवसागर से अगर कोई पार होना चाहते हैं, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बैठो केवल ये भागवत कथा सुनो। ये कथा सुनते सुनते ही भवसागर से हम अपने आप पार हो जाएंगे। एक बार जयकार दो, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लो, रोज एक भजन सुन लो। Yeah.
बोले मंगलाचरण का तात्पर्य जो होता है, कोई भी काम करो अगर भगवान को उनको भक्तों को स्मरण करते हुए कोई काम कर तो वो काम में कोई बाधा नहीं आता, इसे इसका नाम कहते हैं मंगलाचरण। ये तीन श्लोक इतने महत्व है, कहते ये पहला श्लोक का इतने महत्व है, कहते मानो एक श्लोक में ये पूरी भागवत एक श्लोक में हमारे संतों ने बताए, इतने महत्वपूर्ण है। कहते जो तीन श्लोक में पहला जो श्लोक नमस्कार पर ध्यान है, कहते जन्मा दस जतोन्नयादितर तस्य स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदा जो आदि कवय मुह्यति जत सूरयो तेजो बरी मृदाम जथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग मृषा ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्त कुवकम् सत्यं परम धीमहि। ये प्रथम श्लोक में ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। लेकिन ये श्लोक को लेकर के बड़े बड़े विद्वानों का बड़े मतभेद है, क्योंकि ये श्लोक में किसका नाम नहीं दी गई, केवल उसमें उनकी विशेषण बताए, उसमें विशेष्य कौन है मतलब ये श्लोकों का माली कौन उसमें कुछ नहीं बताए। इसलिए जो शंकर जी की भजन करते कहते तो भैया ये श्लोक तो शंकर जी के लिए बताए, अभी माता देवी को जो पूजा करते हैं कहते ये मैया देवी को बताए, कहते जो हनुमान जी को गणेश जी को पूजा करते हैं बोले ये श्लोक में तो उनकी बताए, इसलिए जिसको इच्छा उसी में ये लगा दिया। लेकिन श्री वल्लभाचार्य अब नाम सुने होंगे कि नहीं, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए, ये कहते नहीं ये श्लोक किसी के लिए नहीं, ये श्लोक तो केवल बांके बिहारी के लिए। बोले आप बांके बिहारी में कैसे लगाए, कहते इसमें बताए सत्यम परम धीमही, कहते वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं, इसलिए जिस समय भगवान कृष्ण मातृ गर्भ में आए देवकी के गर्भ में उसी समय ये 33 करोड़ देवता स्तुति कर रहे थे। वो क्या स्तुति करते हैं, बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य स जोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्य मृत सत्र नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपत्ति। उनको सत्य 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 बोल करके उनको त्रिसत्य बोल करके ये 33 करोड़ देवता कह रहे हैं, इसलिए कहते वो सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य को ध्यान करते तो कृष्ण ही तो हुए ना।
जो पहले थे, अभी है, बाद में जो रहेंगे, वो कौन है? ये सनातन है, भगवान कृष्ण। इसलिए कृष्ण ही कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। वो बात को कौन कह रहे हैं? कृष्ण ही कह रहे हैं। जब जब इसी जगत में धर्म को पर में अत्याचार होता है, संतों में, गो में, ब्राह्मण में, पृथ्वी को पर अत्याचार होती है, मैं ही इस जगत में पुनः पुनः अवतीर्ण होता हूँ। इसलिए ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, सनातन कौन है? पूर्ण ब्रह्म सनातन ये कृष्ण है। ये भगवान कृष्ण को ही बताए। इसलिए बोले जन्मादस्य जतः, बोले जिनसे ये जगत का सृष्टि स्थिति पालन होता है, ब्रह्मा जी को ही भगवान सृष्टि का काम दिए, शंकर जी को संहार का काम दिए, विष्णु को पालन का काम दिए, ये भगवान कृष्ण ही है। कहते जिनकी माया में, बोले मुह्यंति जत सुरयो, बोले जिनकी माया में बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। हम भागवत में सुनेंगे, इंद्र जो देवताओं को जा राजा, ये स्वयं मोहित होकर के कोशिश किया ब्रज में सत्यानाश करने के लिए, ब्रज को 7 दिन तक बारिश कराया, लेकिन ठाकुर जी गिरिराज उठा ले, और स्वयं इंद्र आकर के ठाकुर जी के चरण में माफी मांगे, ना कर गए। ब्रह्मा जी, सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, इन्होंने भी क्या किए, इन्होंने भी कृष्ण का बछड़े सखाओ के इन्होंने भी चुराया था। सोच रहे थे साधारण बोल गयाल बाल होगा, लेकिन जब देखा ये तो गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, ये तो परम ब्रह्म स्वयं ये छुप करके नर रूप में आए हैं। ब्रह्मा भी बड़े नाग रगड़े ठाकुर के चरण में, ये सबके सब देवता, ऐसे कोई देवता नहीं जो कृष्ण के चरण में नाक नहीं रगड़े। बोले एक समय ठाकुर जी द्वारका में बैठे हुए थे अपना रानियों के साथ में, सब रानियां वहां पर थी। नारद जी स्वर्ग गए थे, स्वर्ग से एक पारिजात फूल लेकर के आए और कृष्ण को हाथ में दे, बोले कृष्ण आप जिस रानी को आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो ये फूल उसको दे दो। कृष्ण बोले पता नहीं नारद जी कहाँ आ गए लड़ाई लगाने के लिए, क्योंकि मैं जब रुक्मिणी को साथ में रहता हूँ, रुक्मिणी को कहते रुक्मिणी तू मेरी जितने प्यारी है ना और कोई इतने प्यारी नहीं, जब सत्यभामा के साथ में रहता हूँ, बोले सत्यभामा तेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, अभी तो सारे भाड़ फोड़ हो जाएगा। कहते सबसे जिसको ज्यादा प्रेम करते उसको दो। कृष्ण सोचने लगे, बोले जल्दी दो मेरे पास में समय नहीं, अभी रुक्मिणी सबसे बड़ी रानी। तो उन्होंने उसको पारिजात उस पर रुक्मिणी को दे दिया। जो रुक्मिणी है वो सत्य कौन है? रुक्मिणी कहती ये चंद्रावली के अंश है। कहती जो राधा रानी इनकी अंश में ये सत्यभामा है, इसलिए राधा रानी तो सर्वश्रेष्ठ है। इतने में जो सत्यभामा थी ना, जब उन्होंने फूल पकड़ा दिया रुक्मिणी को, सत्यभामा के मान को देखो, प्यार पटकती हुई क्रोध में तमतमाते हुई एकदम सभा छोड़कर मान भवन में चली गई। कृष्ण बोले देखो नारद जी किसी ने लड़ाई लगा दी। तब उन्होंने गए सत्यभामा को मनाने के लिए, जब उसे हाथ रखना उसने हाथों तो फेंक दी, बोले आप ऊपर जैसे काले हो अंदर से भी ज्यादा काले हो, आप कह रहे थे मैं तुमको जितने प्रेम करता हूँ और किसको इतना प्रेम नहीं करता हूँ, सारा दुनिया को तो पता चल गया आप मेरे को कितने प्रेम करते हो, सब दुनिया को पता चला। कृष्ण बोले सत्यभामा रुक्मिणी को तो मैंने एक फूल दिया, तेरे लिए तो मैं स्वर्ग से पारिजात तो पेड़ उखाड़ कर ले आऊंगा। बोले ज्यादा बोलो मत, जिसने एक फूल नहीं दे सके मेरे लिए पेड़ ले आएंगे, क्यों ऐसे झूठ बात करते हो? बोले चलो, बोले चलो। तो उन्होंने गरुड़ को पीठ पर बैठा करके ले चले स्वर्ग में। इंद्र से बोले इंद्र मेरी सत्यभामा बड़ी मान की है, यहाँ से एक पारिजात पेड़ लेना चाहता। बोले नहीं, इसलिए तो स्वर्ग की इतने महिमा ये पारिजात वृक्ष के लिए है, अगर ये वृक्ष स्वर्ग से मरते लोग चला जाएगा फिर स्वर्ग का महत्व क्या रह जाएगा, इतने वो देना नहीं चाह रहे। बोले नहीं दोगे तो मैं अपना पराक्रम को मैं दिखाऊंगा। बोले क्या दिखाओगे? इतने में कृष्ण अपना पराक्रम को दिखाए। जितने 33 करोड़ देवता स्वर्ग में थे ना इंद्र को साथ में, इंद्र चंद्र भाई वरुण सबके साथ भगवान कृष्ण से लड़ पड़े। इतने में भगवान अपना सारंग धनुष उठाया, सबको मार मार करके वहां से भगा दिया, और उन्होंने बलपूर्वक एक पेड़ को उखाड़े और उन्होंने रखे गरुड़ को पीठ पर रख करके मरते जगत में लाए और सत्यभामा का घर को सामने लगा दिया। हाँ सत्यभामा तो खुश हो गई, सब रानियों को बुलाया,
बोले आसो मेरे घर में आओ। बोले क्यों? बोले ये मत समझो कृष्ण ये रुक्मिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं, अरे उसको तो एक फूल दिया, मेरे लिए तो स्वर्ग से पारिजात पेड़ उठा कर ले आए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सत्यम परम धीमहि, बोले मुह्यन्ति यत सुरयो, भगवान की ऐसे माया है उन्होंने किसी को अहंकार को ठाकुर कभी रखे नहीं, सभी की अहंकार को ठाकुर ने चकनाचूर कर दिया। कैसे ऐसे जो भगवान कृष्ण बोले तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवे, कद आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में जिन्होंने ज्ञानों में परम गुह्यम जत विज्ञान संबंधितम स रहस्य च तदगंच ग्रहणम गदितम मया। सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में वो तत्व ज्ञान को जिन्होंने स्फूर्ण कराया कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण। हम सब के सब उनके चरण में प्रणाम करते हैं। बोले श्री बांके बिहारी की। लेकिन हमारे यहाँ कुछ रस्सी की टीकाकार लोग कहते हैं क्या इसमें केवल भगवान कृष्ण को प्रणाम किया ना और किसी को? बोले और भी कोई है। बोले कौन है? बोले जो सत्यम परम धीमहि जो परम शब्द है, कहते देवी ये गौतम तंत्र में बताए, बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता, जो परम शब्द है भगवान की जो पराशक्ति उन्होंने श्री राधा रानी को उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि जो राधा के बगैर कृष्ण आधा है। इसलिए हर शास्त्र कहते हैं जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण एव स एक ज्योतिंग दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूप, कहते जो राधा वही कृष्ण जो कृष्ण वही राधा है, वो एक ज्योति ही केवल लीला प्रकाश करने के लिए केवल दो रूप हुए है, तत्व तो ये अलग नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है अकेला माधव पूज्य सो अज्ञानी, जो अकेले कृष्ण को पूजा करते ना वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी व्यक्ति उसको पता नहीं है। बोले राधा अनादर करे अभिमानी, इसलिए कभी ना कर अभी तास कर संग, कहते भैया अगर तुमको ब्रज प्रेम चाहिए कृष्ण प्रेम चाहिए भैया ऐसे व्यक्ति का संगत मत कर जो अकेले कृष्ण पूजा करते, मना कर देते, वो मना कर दिया है। बोले ऐसे भक्तों का संग कर जो जुगल की उपासना करते हैं, क्योंकि राधा के बगैर ना कृष्ण आधा है। उनका पूर्ण रूप क्या? बोले सत सच्चिदानंद रूपाय, ये सत स्वरूप बलदेव प्रभु, चित स्वरूप स्वयं कृष्ण और आनंद स्वरूप से राधा रानी। अगर इससे आनंद को निकाल दो ना सत को निकाल दो, उसी समय वो एक निराकार निर्विशेष ब्रह्म रह जाते हैं, वो रस स्वरूप नहीं रहते। वो रस स्वरूप तभी है जब श्री राधा रानी उनको बाम पास में श्री राधा रानी हो। इसलिए आप वृंदावन में जाओ, इसलिए किसी को भी कृष्ण कृष्ण बोलते, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते वृंदावन में, किसके नाम लेते हैं? अरे बोलो जोर से, जोर से बोलो, सबके से राधा रानी का नाम लेते हैं। बोले क्यों? बोले भैया जब तक श्री किशोर जी की कृपा नहीं हो ना ये बांके बिहारी ऐसे कृपा नहीं करेंगे, वो तो तीन जगह से टेढ़े हैं, उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी की है, लेकिन हमारी किशोरी जी बड़ी सीधी सादी है, बड़ी कोमल हृदय की गोरी है। इसलिए ये जो पहला जो श्लोक है ना इसमें श्री जुगल सरकार को ही प्रणाम करते हैं, इनकी कृपा से ही पूर्ण भक्ति और जो रस है। देखो राधा, देखो राधा शब्द को उल्टा दो क्या होता है? अरे बोलो, धारा है, मतलब ये राधा रानी नहीं, कदी ये स्वयं कृष्ण भक्ति रस की ये धारा है श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए क्या कहते हैं? बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 राधे
राधा रानी बोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी बोली भाली चंचल बिहारी, राधा रानी बोली भाली चंचल बिहारी, राधे 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 चंचल बिहारी के बिहारी, राधे 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 चंचल बिहारी के बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधे 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 परारम निर्मल सराम सताम, जिसमें कहते हैं असली अगर धर्म कहीं है ना, इसलिए इसका पहला शब्द धर्म है। अगर असली कहीं धर्म है ना भागवत में, और दूसरे दूसरे ग्रंथ में तो है लेकिन पूर्ण रूप में नहीं है, इसलिए पूर्ण रूप में भागवत में है। इसलिए जिसको बताए बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय, गायत्री भास रूप सौ वेदार्थ परिवृणित। गरुड़ पुराण कहता है कदी जो श्रीमद् भागवत है कद अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ, गायत्री का भाष्य, वेदार्थ का सार, और जो महाभारत का ये सार निचोड़ ये भागवत। इसलिए कहते तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिकोचित। अगर ये भागवत रस को कोई पान कर लेना भैया, और कोई किसी रस से तुम्हारे मन तुम्हारी लगेगा नहीं। तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिकोचित। अगर ये रस को कोई पान कर ले सारे रस इसको सामने फीकी पड़ जाती है। इसलिए एक श्लोक में तीन अत्र आया है। कहते अत्र मतलब होता है इसी भागवत ग्रंथ में है क्या चीज है। इसलिए इसमें ये जो तीसरा श्लोक ये प्रतिज्ञा लेता है, बोले क्या प्रतिज्ञा भागवत लेता है, देखो कितने बड़ी प्रतिज्ञा ये भागवत लिया। बोले धर्म प्रजीत कैतवत्र, ये भागवत में किसी कपटता धर्म नहीं है। धर्म अर्थ काम को तो निकाल दिया है, यहाँ तक तो जो मुक्ति को भी यहाँ से निकाल दे, क्योंकि जो मुक्ति सबसे बड़ा कपटता मुक्ति है। क्यों, ये लोग क्या चाहते है, वो ब्रह्म ज्योति में अपना सत्ता को लीन कर देने का चाहते है ज्ञानी। कदि ये सबसे बड़ी कपटता है। बोले क्यों, बोले जीव कौन है, बोले जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है, इसका कर्तव्य क्या, बोले ईश्वर की सेवा करना। लेकिन जो ज्ञानी क्या चाहते हैं, ठाकुर को सेवा सेवा कुछ नहीं चाहते, भगवान भाड़ में जाए लेकिन अपना आनंद चाहते हैं। बोले क्या, बोले ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मतलब जब तक संसार में रहेंगे दुख कष्ट मिलेगा, इसलिए ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो बस खत्म। कहते ये सबसे बड़ा कपटता है। जब भगवान हनुमान को बोले बर मागो, हनुमान क्या बोलता है, बोले बार बार बर मागो हर सिंह देहो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। हनुमान कहता है ठाकुर जी सत्संग दो, तुम्हारी अनुपायनी भक्ति दो, और तुम्हारी चरण की हमें सेवा दो। भक्त लोगों का भावना जितने कष्ट क्यों नहीं हो तुम्हारी सेवा में, ठाकुर जी सब कष्ट सहन करने के लिए मैं राजी हूँ, लेकिन ये मुक्ति पाना नहीं चाहता हूँ। ये मुक्ति में क्या होता है, ये ब्रह्म ज्योति में ये जीवात्मा लीन हो जाता है। लीन होने पर इसका जो सत्ता है ना, ये चिरकाल के लिए खत्म। भगवान जो एक आनंद स्वरूप रस स्वरूप है, वो रस चिरकाल के लिए रस से वंचित हो जाता है। जैसे कि चिट्टी कोई गुड़ खाने के लिए गया, लेकिन गुड़ गुड़ पतला पतला, ये चिट्टी का वो गुड़ का आस्वादन करेगा जब अलग रहेगा। अगर जा करके गुड़ में ही लपट गया तो गया उसका जीवन, तो गया उसके रस कहाँ से आस्वादन करेगा। इसलिए भगवान कौन है, कहते रस बैस रसम जवायम लभ आनंद भवती,
भगवान पूर्ण रस स्वरूप है, वो अखिल रसामृत मूर्ति भगवान। वो रस को आस्वादन करने चाहिए जीवों को, जैसे गोपियों ने, जैसे सूरदास जी मीरा ही है, और जैसे श्री हनुमान जी ये क्या करते हैं, प्रभु की सेवा, रस को आस्वादन करते हैं। इसलिए कहते भागवत से ये मुक्ति भुक्ति पूरा निकाल दिया गया। कहते वेद्यम वास्तवम मत्र, कहते भागवत ग्रंथ में जो वास्तव वस्तु जो नित्य सत्य भगवान की जो भक्ति इसमें स्थापन की गई। और तीसरा अत्र में कहते हैं सद्य हृदय अवरुद्ध अत्र। देखो ये भागवत कथा की कितने महिमा, जैसे हमारे श्री मनोज है ना, इनके घर में कथा हो रही है। अभी आप लोगों ने कथा में नहीं आए, घर में बैठे हो, आपको पता चला इनके घर में भागवत कथा हो रही है। अगर किसकी मन में इतनी मात्र इच्छा हो गई भागवत कथा हो रही है, मैं भागवत कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, कहते इतना अगर किसकी मन में इच्छा हो गई ना, बोले सद्य हृदय अवरुद्धते। उदाहरण देते हैं, जैसे एक व्यक्ति किसी घर को अंदर में जाए और अपने आप को अंदर से ही कुंडी लगाकर बंद कर दे, ऐसे ही ठाकुर जी उसके हृदय में ऐसे अवरुद्ध हो जाते हैं, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, ऐसे उसको हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, केवल सुनने की इच्छा मात्र। कहते अगर सचमुच से कोई आ करके ये भागवत कथा में बैठे और ये भागवत रस को पान करे, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं, वो व्यक्ति कितनी पुण्यात्मा जो आकर के कथा में जो बैठ गया भागवत कथा में। इसलिए शंकर जी पार्वती को यही कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होइ, हरि कृपा अति हरि कृपा जा पर होइ, अति हरि कृपा जा पर होइ, इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये भागवत रस को कौन पान कर सकता है, बोले जिसको ऊपर में ठाकुर का अति हरि कृपा, जिसको ऊपर में ठाकुर का कोई विशेष कृपा हुई पार्वती, वही व्यक्ति ही ये सत्संग और भागवत रस को वही पान कर सकते हैं। कहते ये भागवत का प्रतिज्ञा है, बोले भागवत जो तीसरा श्लोक है, कहते भागवत हमें आशीर्वाद क्या देता है, अगर कथा सुनेंगे तो हमें मिलेगा क्या, बोले ये आशीर्वाद देता है, बोले निगमा कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। बोले हम लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, ये कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हैं। बोले कल्प वृक्ष का मतलब क्या, बोले जो मांगो वही मिलेगा, ये भागवत से। इसलिए श्री पद्म पुराण में बताया ना, जिनके संतान नहीं है, अगर भागवत सही सही 7 दिन तक, उसने मैंने तो देखा है जिनको 20-25-30 साल तक घर में कोई संतान नहीं, लेकिन जब भागवत सुने ना उनको घर में संतान की जन्म हुआ। भागवत सारा दुनिया सब काम कर लेकिन हुआ नहीं, लेकिन भागवत सुने तो संतान उनको मिले। जो निर्धन है भागवत कथा सुना उनको धन की प्राप्ति होगी, जो रोगी है उनको निरोग की प्राप्ति होगी, जो दुखी उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। भागवत से जो मांगो ना 7 दिन का कथा सुन करके, भागवत सारी इच्छाओं को भागवत ये पूरी कर देती है। लेकिन यहाँ पर हमारे संत लोग सावधान भी करते, देखो भागवत से छोटी मोटी चीज को मत मांगो, ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगो जीवन में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। एक उदाहरण देकर समझाए, बोले कोई गरीब ब्राह्मण था,
उसने स्वर्ग का जो कुबेरे को उपासना की, जब धन कुबेरे वो संतुष्ट हो गया, बोले बेटा वर मांगो। लेकिन बेचारा गरीब ब्राह्मण घर में भी गैया थी, बोले मेरे को गैया को खाने के लिए थोड़ा चूना भूसी दे दो। कुबेर बोला बेवकूफ, मैं इतने धन धन दे सकता हूँ, तू भी कहा तेरे बेटे की बेटे की बेटे भी कहा खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम धन कुबेर को पास में आकर क्या मांग रहे हो, गैया की खाने के लिए थोड़ा चूना भूसी दे दो। अरे ऐसे चीज मांगो जो सब कुछ तुम्हें मिल जाए ना। इसलिए कहते भागवत अगर सुन करके छोटी मोटी चीज मांगोगे ना, भागवत दे देगी, लेकिन उससे हम वंचित हो जाएंगे। लेकिन ऐसे की चीज मांगो जो मांगने से तुम्हें जीवन में सब कुछ मिल जाए। बोले क्या है, ठाकुर की भक्ति, ठाकुर का सेवा और ठाकुर जी की प्रेम मांगो भागवत से। क्योंकि जब भगवान से भक्ति मांगोगे ना, ठाकुर स्वयं बसीभूत तुम्हारी हो जाएंगे। जब विश्व ब्रह्मांड का मालिक तुम्हारी बसीभूत हो गए, बताओ हनुमान को जीवन में क्या नहीं मिला, बताओ। जीवन में सब कुछ मिला, और सब कुछ हनुमान जी, धन दौलत पुत्र परिवार सब कुछ हनुमान सबको देते हैं, हैं? क्योंकि उनकी राम की भक्ति मिल गई। इसलिए भागवत को बताया ये कल्प वृक्ष है, ये श्रीमद भागवत कल्प वृक्ष है। एक बार जयकार दो, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय, जय श्री राधे। बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम, कहती जो भागवत ग्रंथ है वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। लेकिन है तो पका हुआ फल, बोले सुख मुखात अमृत द्रव सजुतम, जब उसको सुख पखी ने चोंच मारे उसमें और भी ज्यादा सा मिठास आ गई। बोले क्यों, लेके कहा बताए कि जो तोता है ना वो सब फल में चोंच नहीं मारता है, वो पका हुआ फल में ही चोंच मारता है। उसका मतलब है उसको पता है ये भागवत साधारण फल नहीं, ये पका हुआ फल, और जिसमें ये तोता ने चोंच मार देता है उसमें और भी ज्यादा से मिठास आ जाती है। इसलिए कहते भागवत को क्या करो, कहते ये फल को पीबा तो फल पियो। बोले आपने पहले बता दिया ये फल है, फल को पीते है ना फल को खाते हैं, अब बताओ तो फल को खाते ना फल को पीते हैं, खाते है ना फल को तो पीते नहीं, कहते ये या क्या पियो। बोले ये ऐसे के फल है जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका नहीं, जिसमें पूरा रस ही रस है भागवत में, हैं? और देखो जैसे कोई चीज को हम पीते हैं ना, आप बताओ कान से पीते हो ना मुंह से पीते हैं, बोला आप लोग किधर से पीते हैं, कोई चीज जब पीते हो किधर से पीते हो, मुंह से ना कानों से, मुंह से। लेकिन ये ऐसे के रस है जिसको पी रहे किधर से पी रहे, कानों से। कहते ये भागवत रस को कोई मुंह से नहीं पीते, कैसे पी रहे हो, कानों से। बोले कानों से और मुंह में पीने का फर्क क्या है, कहते जो मुंह से पियोगे ना वो अंदर में रख नहीं सकते, वो निकलेगा, वो नीचे निकलेगा, आप रख नहीं सकते। कोई भी चीज पियो अंदर में रख सकते हो, वो निकलेगा, लेकिन जो चीज कानों से पीते हो नहीं निकलेगा, वो चीज नहीं निकलेगी, वो अंदर में ठहरेगी। इसलिए कहते भैया ये रस को क्या करो, मुंह से नहीं पी करके उसको क्या करो, उसको कानों से पियो। बोले भैया पीते तो है लेकिन रहता नहीं, वो निकल जाती है सबके साथ, क्योंकि हमारे अंदर में बहुत सारे छेद ही छेद है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, उस पूरा के पूरा निकल जाती है। हाँ, अब से एक प्रश्न करता हूँ, इसको उत्तर आप लोग देना, देखता हूँ कौन उत्तर देता है। जैसे एक मटका है उसमें छेद ही छेद है, अगर उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा, निकल जाएगी। लेकिन ऐसे क्या उपाय है, भले ही उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर कोई चीज डालोगे ना एक गोंद भी नहीं निकलेगा, अंदर में रुक जाएगी। आप लोग सोचो उत्तर दो, कौन देगा उत्तर, उसमें छेद ही छेद है, अगर उसको डालोगे तो एक बूंद भी नहीं निकलेगी, पूरा के पूरा अंदर में टिकी रहेगी, ऐसे क्या उपाय है। हाँ क्या करो, क्या करें, जोर से बोला। हाँ ये इनके लिए ताली बजा भैया, भैया के लिए जोर से ताली बजा। हाँ यही चीज है, अगर ये मटका को अगर पानी में डुबो कर रख लोगे ना, लेकिन ये भले ही उसमें जितना छिद्र हो पानी निकलेगा। ये सुखदेव गोस्वामी यही बात को कह रहे हैं, बोले मुहु रहो, मतलब क्या है, वो तभी निकलेगा जब पानी से मटका निकलेगा, तभी तो निकलेगी वो, अगर वो डूबा रहेगा तो निकलेगा कहाँ से। इसका मतलब है
अगर हर समय अगर हम भगवान की कथा सुनते रहेंगे ना भैया, भले ही तुम्हारी अंदर में जितने छेद क्यों नहीं हो, पानी एक बूंद भी नहीं निकली। इसका देखो, इसका इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखो। जैसे हम अभी कथा मृतों को पान कर रहे हैं, हम सबको अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, सभी के अंदर में। लेकिन आपको कोई काम क्रोध लोभ कोई याद आ रहा है? नहीं आ रहे। क्यों? आप वो मटका में डूबे हुए हो। ये मटके में हम डूबे हुए कथा में बैठे हैं, लेकिन ये कथा से केवल बाहर जाओ ना, जितने काम क्रोध लोभ उसी समय घिरेगा। लेकिन जब तक कथा में रहोगे ना, आपके अंदर में कोई भी सांसारिक चीज नहीं आएगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुहु रहो भैया, रस को पियो। और ये यहाँ प्रश्न करते हैं, कहते भैया फल कहाँ पर था? बोले पेड़ के सबसे ऊंचाई शाखा पर फल पड़ा हुआ था। जो फल फल है, दो तरह का फल होता है। एक फल होता है पकने से पहले उसको तोड़ करके कार्बाइड देकर पकाओ, और एक फल होता है पेड़ में पकता है। आप बताओ दोनों फल में ज्यादा स्वाद किसी में आएगा? जो पेड़ में पकता है। इसलिए कहते हैं जो फल है ना भागवत, उसको जोर जबरदस्ती पकाया नहीं गया है। इसलिए बोले निकम कल्पतरु गलितम, गलितम मतलब होता है वो अपनी आप पेड़ में पका है। और उसको तोता ने जाकर के मुंह मारे, बोले भैया सबसे पेड़ सबसे ऊंचाई पेड़ पर फल था, अब तोता मारते ही फल गिरा। अगर इतने दूर से गिरेगा तो पका हुआ फल क्या होगा? बताओ, फट जाएगा। बोले ये फल फटा नहीं? बोले नहीं फटा नहीं। बोले क्यों? बोले सुख मुखात अमृतम, ये जो फल है ना सबसे पहले भगवान कृष्ण फल को खाए, उसकी अधरामृत कृष्ण में लगा हुआ ब्रह्मा जी को दिए, फिर ब्रह्मा जी भी खाए, फिर उनको बेटा श्री नारद जी को दिए, नारद भी खाए। जो जो खा रहे ना उसमें उनकी स्वाद बा उसके उनमें अधरामृत लगा हुआ है। इसलिए फिर उन्होंने व्यास देव को दिया, फिर व्यास देव सुखदेव गोस्वामी को जब दिया, कहते फल में और भी ज्यादा मिठास आई। बोले कारण है ये जो सुख है, कहते प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, ये तोता कोई साधारण तोता नहीं, ये राधा रानी के निकुंज महल में रहने वाले तोते, राधा रानी के समस्त लीला को जो दर्शन करने वाले, राधा रानी जिनको चुंबन की तो जिसमें उनकी अधरामृत लगा हुआ है। इसलिए ये कथा में इतने रस, साधारण व्यक्ति कथा सुनाए कितना आनंद आता है, अगर राधा रानी की कोई सखी कोई दासी अगर कथा सुनाएगा तो उसमें कितना रस नहीं आएगा। इसलिए कहते ये रस जब श्री सुखदेव गोस्वामी को मुंह से निकली, आगे सुनेंगे जहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, इनकी पिताजी की पिताजी की पिताजी भी वहां पर थे, 100 साल 2 साल 5 साल, लेकिन सुखदेव गोस्वामी सबसे कम उम्र के 16 साल के, नंगे धड़ंगे शरीर में कपड़े नहीं, लेकिन कथा इनसे ही क्यों सुने? तो वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे, उनसे क्यों कथा नहीं सुने? कारण है ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण सुख नहीं, ये राधा जी की पावित तोताश्री सुख है। इसलिए इनके मुंह से ही उन्होंने ये भागवत कथा को सुने। बोले भैया ये रस को तो सभी लोगों ने पिया है, लेकिन कभी रस को पूर्ण रूप में किसने पिया है? कभी ये रस को गोपियों ने जैसे पान की ना, ऐसे ये रस को कोई नहीं पिए। इसलिए इनका नाम है गोपी। गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो इंद्रियों को द्वारा पान करते हैं, ये गोपियां हैं। कहते इन लोगों ने बोले रस किया है, बोले कृष्ण के अधरामृत ही रस है। कहते कृष्ण के अधरामृत को कौन पान करते? बोले गोपियां तो पान करती है। इसलिए पूर्ण रूप में अगर किसी ने पान किया तो ये ब्रज की गोपियों ने पान किए। बोले भैया रस को पान करे तो कहां? बोले भूवी। कदी जो रस है ना, इसी भूमि मतलब होता है इसी मर्त्य जगत में, वह वृंदावन धाम ये मर्त्य जगत में ही ये रस को यहीं पर पान की जाती है। इसलिए आप लोगों ने सुना नारद सब जगह में घूमे लेकिन संतोष नहीं मिली, लेकिन वृंदावन में ही संतोष मिली। इसलिए देवता लोग भी ये भारत भूमि में जन्म लेकर के प्रभु की भजन करना, भारत भूमि में, और श्री हिंदू हमारी सनातन धर्म में भी देवता लोग को पान जन्म लेकर के ये भागवत रस को वो भी पान करना चाहते हैं। इसलिए समझो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं जो कि ये भारत भूमि में सनातन धर्म में
हम लोगों ने जिसमें गीता रामायण भागवत जिसमें भगवान राम कृष्ण जैसी परंपरा में आए हैं उसी परंपरा में हम जन्म लिए, मतलब हम बड़े सौभाग्यवान हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हाँ एक मिनट आप मेरे पीछे पीछे कीर्तन कर लो, आप बता लो बता लो। श्री राधा रटतई Thank you.
Yeah.
क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासत। भले जब ये घोर कलियुग आ गया, भले सौनकाद ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा को पास में गए, भले ये कलियुग से हमें उद्धार कैसे होगा। भले कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहाँ गिरेगा समझना यही पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ करके साधन भजन करो। तो वो चक्र जा करके नमी सारे नमी गिरा, वहीं पर बैठ करके सौनकाद ऋषियों ने हजार साल से यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनको मन में कोई शांति नहीं मिल रही थी, उनका हृदय तक भी जल गई। लेकिन एक दिन भगवत इच्छा से जब श्री सुत गोस्वामी आए, बोले सुत दो है, कहते एक लोमर सना सुत और एक उग्र सभा सुत। कहते ये जो उग्र सभा सुत है ये लोमर सण का ये बेटा है। बोले एक समय नैमिषारण्य में ये पुराण पाठ कर रहे थे, श्री बलदेव प्रभु आए। नियम है कोई गुरुजन आ जाए, अगर आप कथा कर रहे हो कथा को वहीं पर रख दो, क्यों कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊं, बली हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताओ। इसलिए नियम है पहले गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। बलदेव कौन कौन है, वो आदि गुरु है, कि हमारी गुरु परंपरा वहीं से आती है, ये साक्षात बलदेव प्रभु है। बल मतलब कहते भक्ति बल का जो अधिष्ठात्र देवता श्री बलदेव प्रभु है, जो कृष्ण सेवा दस शरीर पंच रसों से करते हैं, आदि गुरु है। लेकिन जब आए लोम सनसुत बोले हम तो कथा कर रहे हैं, वो आ रहे आप चुपचाप बैठ जाएंगे और क्या है, उनको खड़े होकर के सम्मान देने का क्या जरूरत है। इतने में बलदेव प्रभु ने देखा, अभी तक तुम गुरुजनों को आदर देना नहीं जानते हो, तुम पुराण पाठ कर रहे हो, तुम पुराण पाठ पढ़ने का तुम योग्य है नहीं। उठाया उन्होंने घास और बला खा दिया उनको, हाहाकार मच गया। ऋषि मुनि लोग बोले हम पुराण कहाँ से सुन गए, बोले कोई चिंता मत करो, उनकी छोटा बच्चा था ये उग्र सभा सुत। उग्र सभा मतलब क्या है, श्रुत मतलब कान, जिनको उग्र अत्यंत तेज। जब से सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे ये उग्र सभा सुत ये सबसे पीछे बैठे हुए थे, लेकिन सारे ज्ञान इन्होंने धारण किया है। इसलिए जब हाहाकार मच गया, बोले चिंता मत कर, उसको बुलाए, उसका सर पर हाथ रखे और सारे पुराण उनके हृदय से धड़ाधड़ सारे पुराण निकलने लगा। इसलिए इनका नाम है उग्र सभा सुत। जब ये उग्र सभा सुत आए, इतने में सौनकाद ऋषियों ने उनको आसन दे करके बैठाए, उनको सेवा की, उनको प्रणाम किए। प्रणाम करते हुए बोले हे उग्र सभा सुत जी, आप श्री गुरु जी की कृपा से ही ये जितने वेद पुराण इतिहास शास्त्र को आपने सब कुछ उनके आशीर्वाद से ही आपने प्राप्त किया है। इसलिए कहते ब्रूही सिद्धस शिष्यस्य, कहते हृदय में तत्व ज्ञान कब स्फूर्ति होगा। बोले अगर शिष्य का हृदय कोमल हो, शिष्य का हृदय में श्रद्धा हो, अगर उसकी भक्ति भावना हो ना, कहते ऐसे जो निरहंकारी सरल हृदय है उसके हृदय में ही गुरु जी का सारे तत्व ज्ञान स्फूर्ण होता है। आप गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त किए, इसका शिक्षा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोले अरे हम क्या काम लिखे पढ़े, हम क्या गीता भागवत पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमें कोई गुरु परंपरा की जरूरत नहीं, हम खुद पढ़ लेंगे। बोले भैया खुद नहीं पढ़ सकते हो, देखो एक ही गीता है, गीता एक ही है ना। कोई कर्म प्यार का व्याख्या करते हैं, कोई उसको योग पर व्याख्या करते हैं, कोई ज्ञान पर, कोई भक्ति पर व्याख्या करते हैं। भैया शब्द तो एक है, इतना टीका कैसे आई। बोले उसको ऊपर में 108 टीका है, फिर इतने टीका कहाँ से आ गया, तो एक ही शब्द इतने टीका कहाँ से आए। कहते ये जो शास्त्र है ये कल्प वृक्ष ये शास्त्र है। कहते ना जिनकी भावना रही जैसी हरि मूरत देखी तेनी तैसे, जैसे भावना वैसे दिखेगा। इसलिए गीता में शास्त्र में वहां पर केवल शब्द, यहाँ पर केवल अक्षर है, वहां पर कोई शब्द नहीं है, केवल अक्षर है। जैसे एक उदाहरण देख रहे अच्छे तरह समझो ये चीज को, एक शब्द कैसे अलग अलग कैसे गति करता है। जैसे हमने बोला आपके आप कहाँ गए थे, इसका मतलब आप कहाँ गए थे मेरे को पता नहीं। अगर यही शब्द को बोले आप कहाँ गए थे, इसका मतलब आप जहाँ गए थे गलत जगह पर गए थे। अगर यही शब्द को आप कहाँ गए थे,
मतलब इसका मतलब आप जहां गए थे हमें पता है। देखो एक शब्द कितने अर्थ निकलता है, इसलिए शास्त्र में ये सब यहाँ पर केवल अक्षर शब्द को जो है नहीं, इसलिए एक एक शब्द को कितने तो कितने अर्थ व्याख्या करते हैं, लेकिन ये शास्त्र का जो असली अर्थ किसके हृदय में प्रकट होता है, कत ब्रूही सिद्ध शिष्यस्य, जो भगवान की चरण में शरणागत है ना उसकी हृदय में। आप बताओ गैया दूध किसको देगा, बछड़े को तो देगा। आप देखना बछड़ा अगर दूध पीते ही अपने आप उसको स्तन से दूध झड़ने लग जाते हैं। इसलिए केवल ये शास्त्र के ज्ञान है ना, केवल ये भक्तों का हृदय में ही ये प्रस्फुटित होता है। इसलिए भगवान कहते सातव हृदय मुह्यम साधु नाम हृदयंतु हम, क्योंकि साधु मेरे हृदय हैं, मैं साधु का हृदय में रहता हूँ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आप गुरु जी की श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से ही ये समस्त शास्त्र का अपने अध्ययन आपने किया है, और ये कलियुग है। बोले कलियुग में क्या स्थिति, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कला भस्मी जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य जुप द्रुता। कहते कलियुग का जो स्थिति है, बोले प्रायण अल्पायुष, सत्य युग में लोग रहते 100,000 साल रहते थे, तृतीया युग हो गया 100 हटा दो हो गया 10,000, द्वापर युग हट गया 100 हटा दो कितना हो गया 1,000, कलियुग आ गया 100 हटा दो कितना रह गया 100। अभी कलियुग में लोग 100 साल भी नहीं जिंदा रहते, कोई रहते हैं बड़े भाग्यवान कोई रहता है अभी कलियुग में, क्यों हर चीज मिला बैठे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर अच्छी जगह पर रह रहे हो, आप लोग बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि ये देवभूमि है, हिमाचल में रह रहे हो, यहाँ पर तो ज्यादा आपको यूरिया फ्रिया की जरूरत नहीं, आप लोग घर घर में गैया भी पालते हो, बहुत अच्छी बात है, और उससे स्वाभाविक रूप में यहाँ पर जमीन उपजाऊ है, स्वाभाविक रूप में यहाँ का हर चीज में बहुत स्वाद है, बहुत हर चीज में हर चीज, क्यों अब घर में स्वाभाविक रूप में मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, बहुत अच्छी चीज। आप लोग अभी हम प्रभु जी घर में ना खेती से सब कुछ हो, वो खेती से लाते हैं और खिलाते हैं, इसलिए आप लोग भाग्यवान। इसलिए कलियुग में सब हाइब्रिड दे करके बनाते हैं, इसलिए तरह तरह का बीमारी प्रकट होता है। इसलिए लोगों का जो परमायु है ना धीरे 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 कम होते जा रहा है, कलियुग में पाप के कारण भी कम होते जा रहे हैं। फिर मंदा सुमंद मतयो, कलियुग का जीव का जो बुद्धि है ना अत्यंत मंद है। देखो पहले ये टीवी नहीं होता था, स्मार्टफोन नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, लोग क्या करते थे गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, ये सब ग्रंथ पढ़ते थे। लेकिन अभी समय मिलते क्या टीवी खोल कर बैठ जाओ, सास बहू की कैसे लड़ाई हो रही है, एक लड़की को कैसे एक लड़का भगाते हुए ले जा रहा है घर में कैसे, यही चीज सब दिखाई देते हैं। कोई अच्छी चीज अगर आए उसको देखे कोई भगवान की, ये सब चीज नहीं देखते हैं। और स्मार्टफोन में तो बच्चे लोग इतने पागल, छोटे छोटे बच्चे में देखा 1 साल का बच्चा भी स्मार्टफोन चलाना शुरू कर देता है, और 1 सेकंड के लिए ले तो रोने लग जाता है, हैं? अभी बच्चों का ये सब स्थिति हो गई है। इसलिए और भी अब बड़े हो जाए पर उसमें जितने गंदी गंदी उल्टा सुधा चीज देखते हैं, ब्रह्मचर्य पालन नहीं रख पाते हैं। इसलिए कहते मंद सुमंद मतयो और मंद भाग्य झुक दुर्धा। कहते पहले तो लोग थोड़ा गीता रामायण पढ़ते थे, माला जपा करते थे, अभी लोग ये सब नहीं करते हैं। फिर झुबद्रुता, झुबद्रुता मतलब होता है अगर थोड़ी सी पत्नी को अगर थोड़ा भक्ति में रुचि हो जाए, पत्नी ताना मारने लग जाती है, अगर पत्नी अगर थोड़ी गीता भागवत तो बड़े पति वाले कोई काम धाम नहीं, जब देखते हो माला लेकर बैठते हो, बच्चे अगर थोड़ा भक्ति करने बोले ये कोई उम्र तरह भजन करने की है, इतने उपद्रव भक्ति में बताओ कलियुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। आप कृपा करके बताओ जीव में कलियुग में जीव का कल्याण कैसे जीव का होगा, होना बड़ा कठिन है। देखो यहाँ पर प्रश्न कौन किसको कर रहे हैं, कहते यहाँ पर सौनकाद ऋषि लोग ये सूत गोस्वामी को कर रहे हैं। बोले ये सूत मतलब क्या होता है, अब महाभारत देखे होंगे ना, ये कर्ण को भीम अर्जुन टोंटी करते है सूत पुत्र, बढ़िया ज्यादा बात करते हो, सूत पुत्र मतलब क्या है, जो रथ को जो चलाते हैं उनको सूत कहते हैं, वो छोटे जाति का है। लेकिन उनको प्रश्न कौन कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा देते हैं भक्ति जगत में जात पात पूछना कोई, और हरि का भजा सो हरि का हो, भगवान की भक्ति में जात पात का विचार नहीं करते हैं। बताओ हनुमान कौन सा जात में आए, बंदर, हनुमान खुद कहते हैं।
सवेरे उठ करके मेरे मुंह जो देख लेगा, मेरे नाम लेगा, दिन भर भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं राम की भक्ति करता हूँ, देखो दुनिया में मेरी पूजा होता है। सुग्रीव कौन सा जाते हैं? गुहो का चंडा, सबरी, जिनका झूठे बैर ठाकुर जी ग्रहण किए, ठाकुर झूठे बैर का ही, जांबवान, ये सब के सब छोटे जाति में हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने का वजह से देखो जगत में जिनकी जय जयकार हो रही है। इसलिए कहते जात पात पूछना कोई हरि का भजा सो हरि का होई, भगवान की भक्ति में जो भजन करता है उसकी श्रेष्ठत्व। इसलिए यहाँ पर सौनकाद ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को 6 प्रश्न किए हैं। कभी जो 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये पूरी भागवत ये 6 प्रश्न को अवलंबन करते हुए ये पूरी भागवत प्रकट हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ पर कथा हमारे प्रभु जी लोग वो 6 प्रश्न किया है, ये लोग भी उस विषय पर थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे। अभी मैं बूढ़ा हो गया इसलिए मेरे को ज्यादा बोलना होता नहीं, इसलिए और ये बच्चों को हम तैयार करते हैं क्योंकि भविष्य में हम तो मर जाएंगे, हमारे आगे ये पीढ़ी को कौन चलाएगा, ये पीढ़ी को आगे कौन चलाएगा, इसलिए बच्चों को हम तैयारी कर रहे हैं, ये भी धीरे 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 सीखे और आगे भी हमारे सनातन धर्म को और हमारे हिंदू धर्म को ये भी आगे धीरे धीरे बढ़ाए, जगत में हमारी सनातन धर्म जगत में प्रचार हो। और महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था ना चैतन्य महाप्रभु, वो कहते हैं पृथ्वी ते आछे जात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मर नाम, ये भगवान का भविष्यवाणी। एक दिन ऐसे आएगा कहते घर घर में, शहर शहर में, गांव गांव जिनमें भगवान के नाम गुंज उठेगा, ये भगवान का भविष्यवाणी। सर्वत्र ये सनातन धर्म एक दिन ऐसे होगा, ये सनातन धर्म सबसे ऊंचा जाएगा, ये भगवान की वाणी है महाप्रभु का, और हमारे सनातन धर्म जगत में सबसे ऊंचाई शिखर पर जाएगा हैं। हमारे मोदी भाग्य से मोदी आए हैं, जो हमारे धर्म को थोड़ी सी सपोर्ट करने वाले हमारे मोदी आए हैं, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान जो कि हमारी गीता को हमारी शास्त्र को थोड़ी आगे ये बढ़ाने वाले। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की तू। हाँ बताएंगे महाप्रभु के बारे में बताएंगे। ये प्रभु जी ये 6 प्रश्न क्या था, जिसकी 6 प्रश्न का उत्तर ये पूरी की पूरी भागवत है, ये 6 प्रश्न क्या ये प्रभु जी। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पितगुरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौरभक्त वृंद। सब एक बार मेरे साथ हाथ उठा के बोले, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्थ भक्ति वेदांत शीतल गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपावान अहेतु की वाणी कृपावान से करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव रूपानंद गुरुपाद पद्म सोपार से सफरी कर गौर नित्यानंद प्रभु सोपार से सफरी कर युवल किशोर राधा गोविंद जीव समस्त वैष्णववृंद वैष्णववृंद स्रोत मंडली भक्तवृंद समस्त ने चरणों में आधम का यथा जो के दंड प्रणाम स्वीकार। अभी अभी हम श्रीमद् भागवतम की कथा गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे। जिस समय कलियुग आया तो ये चतुसन ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र बड़े विचलित हो गए, क्योंकि कलियुग में जितने भी अभी गुरुदेव बता रहे थे ना कि सारे के सारे काम सब उल्टा पुल्टा, खाना उल्टा पुल्टा गंदा काम, और कलियुग में सारे सब मुढ़ा और मतलब सब मंद अमंदमति सब विपद्रता सबके सबका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। तब इन्होंने सोचा कि हम कहाँ पे भजन करेंगे। कलिकाल के जो जीव है ना बोल रहे हैं कि कली जुगे प्राय घोरा,
कि कलिकाल के जो जीव है वो नरा पुण्य विवर्जिता, कि वो सब पुण्य में विवर्जित, नर जितने भी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब पुण्य विवर्जित हैं, इसलिए इनके कल्याण के लिए सारे के सारे जगह कलि का ग्रास है, इसलिए हम कहाँ पे भजन करें। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र अपने मन से सृष्टि करके फेंका, तो जिस स्थान पे ये चक्र जाके गिरा उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य नाम सुने हो आप लोग? नैमिषारण्य बता रहे हैं, चक्र के अग्रभाग को नेमी बोलते हैं, तो जहाँ पे चक्रवाह के अग्रभाग गिरा, चक्र के अग्रभाग गिरा उस स्थान को बोलते हैं नैमिषारण्य, उसी अरण्य को बोलते हैं। फिर बोलते हैं, शास्त्र में बताते हैं, निमिष मात्रे है क्षण तिष्टम भजनम जैसे, मतलब निमिष मात्रे, एक निमिष यानी एक हमने आँख में जितने भी झपक मारते हैं ना, तो उतने क्षण भी अगर उसी स्थान पर कोई अगर भजन करेगा तो निश्चित रूप में उसका कल्याण होगा। तो वहाँ उसी स्थान पे श्री चतुसन जाते हैं और हजारों साल तक यज्ञ करते हैं। हजारों साल तक यज्ञ करने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कलिकाल के जो युग धर्म है वो यज्ञ नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग कितने सुंदर सुंदर भगवान की कथा श्रवण करें, अब बताओ 3 घंटे तक आग के सामने बैठ के हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, कोई तो आँख को मोड़ने लगेंगे, कोई आंसू पोंछ कर के भाग जाएंगे, दूसरे दिन और दिखाई नहीं देंगे। तो कलिकाल के जो युग धर्म है ना, वो तो कितने सुंदर सुंदर हवन और तपस्या, ये सब से हम कलिकाल में साधन नहीं कर सकते। लेकिन एक उपाय है क्या ना, भगवान की कथा कीर्तन श्रवण करना, इसमें कितना आनंद है कि नहीं बताओ? यज्ञ में आनंद है या इसमें आनंद है? ये क्या है ना, कथा रूपी नाम यज्ञ, ये भी यज्ञ ही है। तो इसमें देखो, कलिकाल के सब लोग चाहते हैं ना सस्ता सुंदर अच्छे चीज मिल जाए, सस्ता सुंदर मजबूत चीज मिल जाए। तो बोलते हैं देखो, कलिकाल के जीव इतने आलस्य बसते हैं, मंद सुमंद मत है मंद भाग्य है पुत्रदा, इतने आलस्य के पढ़ के कोई धर्म वर्म नहीं करेंगे, भक्ति भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने अपने कथा कीर्तन के रूप माध्यम से, अपने नाम रूप माध्यम से हमके सबको उद्धार करने के लिए जगत में प्रकट हुए। इसी प्रकार वहाँ पे जैसे ही यज्ञ करते हैं, हजार साल तक यज्ञ करते हैं, फिर भी चतुसन को उनके मन को शांति नहीं मिलता। वहाँ भगवत इच्छा से ये सूत गोस्वामी आते हैं, और अभी अभी गुरुदेव बता रहे थे, सूत गोस्वामी के परिचय दे रहे थे। ये सूत गोस्वामी को बलदेव प्रभु की कृपा है, बलदेव प्रभु ने इनको साक्षात रूप ने गुरु तत्व ने इनके ऊपर कृपा किया। अब ये सूत गोस्वामी को देखकर ही ये चतुसन बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और देखो यहाँ पे एक प्रश्न है, जो साधु होते हैं, साधु के लक्षण बता रहे हैं कि साधु एक जगह पे इतने समय ही टिकते हैं जहाँ पे गो दुग्धन का समय, एक जगह पे गाय को दुग्ध दोहन करो कितना समय लगेगा? बहुत कम समय लगता है। तो कम समय लगता है तो साधु उतने समय ही एक जगह पे टिकते हैं, रमता जोगी बहता पानी। तो जोगी इतने समय तक एक जगह पे रुकते ही नहीं, कथा खत्म तो चले जाते। तब यहाँ चतुसन पूछते हैं कि हम ऐसे कोई प्रश्न पूछें ताकि उनको पूरा बांध दिया जाए और वो हमें उत्तर दे। तो 6 प्रश्न उन्होंने पूछा। ये 6 प्रश्न एक एक प्रश्न करोड़ों के समान है, हमारे मनुष्य जीवन के लिए एक एक प्रश्न एक एक करोड़ के समान है। बोले 6 प्रश्न को अगर उत्तर को श्रवण करेंगे ना, ये पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम है। तो 6 प्रश्न क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न पूछा, सबसे पहला प्रश्न, आत्मा को शांति कैसे मिलेगा? हम सब लोग क्या चाहते हैं, किसके पीछे भागते हैं? शांत सुख के लिए भागते हैं कि नहीं? कोई दुख जाना चाहता है? कोई दुख पाना नहीं चाहता? कोरोना समय में सब घर में बैठ गए, अगर किसी को दुख की इच्छा होता तो सब बाहर घूमते, कोई दुख पाना नहीं चाहता। लेकिन शांति हम ढूंढते हैं, लेकिन शांति मिलता है हमें? हम शांति ढूंढते हैं फिर भी हमें शांति नहीं मिलता। कोई बोलता है कि मुझे इस चीज से सुख प्राप्त है, किसी को बड़े अच्छे रसगुल्ला पसंद है, एक रसगुल्ला दे दो भाई कैसा लगा, स्वर्ग जैसा लगा, दूसरे दो, तीसरे दो, चार दो, पांच दो, नहीं अब बस करो, फिर 10 दे दो, फिर और एक दो, फिर बोले मेरे हाथ से नहीं खाए और एक लो, ऐसे होता ही नहीं। तो जैसे एक एक करके अगर खाते जाओगे, एक एक खाते जाओगे, फिर धीरे 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 वो मन क्या होगा, भर जाएगा। फिर बाद में बोले बस कर भाई मन भर। जिस चीज से हमें सुख मिल रहा था अभी, उसी चीज से ही हमें दुख मिलता है। एक व्यक्ति एक चीज को प्राप्त करके वो सोचता है कि मुझे अभी जैसे तैसे करके, हम घर गृहस्थ में है ना, एक अगर हमारे सामने अगर समस्या आ जाए तो हम सोचते हैं जैसे तैसे इसको हल कर देंगे, हम तो फिर आयश करके रहेंगे।
फिर उसको जैसे तैसे हल कर देते हैं, दूसरे पे टेंशन, दूसरे पे समस्या आ जाता है। शांति किसी को नहीं मिलता, क्योंकि भगवान ने ही स्वयं बताया कि दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय है। गीता में स्वयं भगवान बता रहे हैं। पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब जहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। विद्यालय, जहाँ पे विद्या का आलय मतलब विद्या, जहाँ पे विद्या पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार ये संसार क्या है, न दुखालय अशाश्वतम, दुख का आलय है। तो इसमें सुख किस प्रकार मिलेगा, भगवान स्वयं ही बता रहे हैं, बनाने वाला ही स्वयं बोल रहे हैं ये दुख का संसार है, तो सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगा। तो कितने अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम कितने भी कार्य करते हैं उसमें हम शांति नहीं होते, हमारा आत्मा को तृप्त नहीं होता। कोई चाहता है कि मैं 1000 रुपए कमा लूं, फिर सोचता है कि नहीं 1000 रुपए मिल गया, फिर वो 2000 के पीछे भागता है। 1000 रुपए में उसको शांति मिल गया तो 2000 के पीछे क्यों भागेगा। तो इसीलिए शांति नहीं मिले, किसी को भी शांति नहीं है। तो कितने सुंदर रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रथम पहला सवाल कर रहे हैं कि मन को या आत्मा को शांति कैसे मिलेगा। दूसरे बात बता रहे हैं, दूसरे प्रश्न पूछ रहे हैं कि बहुत सारे वेद उपनिषद है। श्री वेद व्यास ने सबसे पहले एक ही वेद था, उसको वेद व्यास जी ने देखा एक वेद कोई पढ़ के समझ नहीं आएगा, तो उसको फिर 4 भाग में डिवाइड कर दिया, रुक साम अथर्व यजुर्। फिर बाद में देखा कि जो चतुर्वेद है उसमें स्त्रियों का और जो शूद्रों का और सबसे जो निम्न कुल में उत्पन्न होते हैं उनका भी अधिकार नहीं है। फिर बाद में विचार करते हुए ये पंचम वेद महाभारत रचना करते हैं, पंचम वेद महाभारत रचना करके भी उनको शांति नहीं हुआ। फिर उसके पश्चात तो कितने सारे उपनिषद रचना करते हैं और सारे उपनिषद से 550 श्लोक को उधार करके ब्रह्म सूत्र रचना किया। कितने वेद वेदांत सब रचना करने के बाद भी बहुत सारे वेद वेदांत शास्त्र है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, सारे शास्त्रों को हमें निचोड़ बता दो। इतने सारे शास्त्र हम एक एक अगर ग्रंथ पढ़ना शुरू करेंगे तो कितना दिन लगेगा। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद भागवत, एक एक करके अध्ययन करोगे तो पूरा जीवन तो ग्रंथ अध्ययन में ही चला जाएगा। हो सकता है भजन साधन नहीं हो सकता, और तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, हम मोबाइल टीवी आदि देखेंगे लेकिन ये सब नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बता रहे हैं कि हम अगर यहाँ पे चतुसंग पूछ रहे हैं कि हमें पूरे सारों शास्त्रों का निचोड़, हमें पूरा निर्जास जो है, जो सार है वही बता दो आप, क्योंकि कलयुग के जो जीव है वो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो क्या करें ना भजन कर सकें। क्यों समय नहीं है, कौन सा समय नहीं है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कलिकाल के जो आयु है प्रायण अल्पायुषा, इनके जो आयु है ये 100 साल मात्र है। सत्ययुग का जो आयु था वो 1 लाख साल था, अब बताओ 1 लाख में कितना सुन रहता है, 5 सुन रहता है। त्रेता युग का जो आयु है 1 सुन वहां से घट गया, कितना हुआ 10,000 साल रहते थे। सत्ययुग में हिरण्यकश्यप की कथा आता है 60,000 साल तपस्या किया, और यहाँ पे त्रेता युग में भी कथा आता है 1,000 साल तक ऋषि मुनि यज्ञ करते थे। और फिर द्वापर युग आया, 1 सुन और हटा दो, कितना हुआ 10,000 से 1 सुन हट गया 1,000। फिर कलिकाल में 1 सुन और हट गया 100 साल भी कोई नहीं जीता कलिकाल में, 50-60 में हरिबोल हो जाते। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार कलिकाल के जो जीव है प्रायण अल्प अल्प आयु है, ये सारे शास्त्र को अध्ययन करके उसके सार को निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए आप कृपा करके ही ये कलिकाल के जीव को कृपा करने के लिए सारे शास्त्र का निचोड़ जो निर्जास है उसको बताइए, और किस प्रकार कलिकाल में जो भगवान को पाने का जो सरल उपाय क्या है वो बता दीजिए। सारे शास्त्रों में भगवान को पाने का जो सरल उपाय बता रहे हैं उसको कृपा करके बताइए। फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं, तीसरा प्रश्न तो बड़ा मनोरम है। फिर क्या पूछ रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण की लीला कथा सुनाइए। फिर बाद में पूछते हैं कि हमें कृष्ण की कथा नहीं, केवल कृष्ण की कथा नहीं, कृष्ण 3 जगह रहे हैं, द्वारिका में भी कृष्ण रुके, मथुरा में भी लीला किए और ब्रज में तो लीला किए ही है। तो आप हमें अगर, मैं अगर पूछूंगा हमें कृष्ण कथा सुना दो, आप तो द्वारिका या मथुरा की कृष्ण की कथा सुना दोगे, लेकिन जो ब्रज के जो मधुर लीला वो तो रह जाएगा। इसलिए आप कृपा करके ये 3 कृष्ण के महिमा आप कृपा करके सुनाओ, किस तरह ब्रज के जो कृष्ण वो है पूर्णतम, और द्वारिका के कृष्ण, मथुरा के कृष्ण पूर्णतर, और द्वारिका के कृष्ण पूर्ण, ये 3 कृष्ण के आप महिमा बताइए। किस प्रकार ब्रज में मधुर मधुर लीला के सुंदर सुंदर
सखा सखी माता पिताओं के साथ सुंदर रास लीला के सारे लीला कथा बताइए और मथुरा में जाके किस प्रकार कंस वध आदि किए और द्वारिका में किस प्रकार रुक्मणी सत्यभामा जाम्बवंती के साथ लीला की, तीनों कृष्ण के महिमा बताइए। जो चौथा प्रश्न है वो बता रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं श्याम्यहम्। हमें केवल कृष्ण कथा ही नहीं सुनना है, भगवान के जितने सारे अवतार समूह है वो सारे के सारे अवतार समूह भी आप कृपा पूर्वक सुनाओ। किस प्रकार भगवान मत्स्य अवतार ले मछली के रूप धारण करके चार वेद को उद्धार किया, कुर्म रूप धारण किया और अपने पीठ के ऊपर मद्राजल पर्वत को रख के समुद्र मंथन लीला किया। किस प्रकार भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को सुरापान किया और देवता को अमृत पिला दिया। किस प्रकार भगवान ने बामन रूप धारण किया और बलि महाराज जी के सारे त्रिलोक का संपत्ति छीन करके बलि महाराज जी को सुतल लोक दिया। किस प्रकार भगवान नरसिंह रूप धारण करते हैं और प्रहलाद महाराज जी के ऊपर कृपा करते हैं और प्रहलाद महाराज जी के वाणी को सत्य करने के लिए स्तंभ से भी एक जड़ से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा के भी जो वरदान है ना उसको भी मिथ्या कर देते हैं। तो किस प्रकार भगवान ने फिर सुकर रूप धारण किया, वराह रूप धारण करके ये पृथ्वी रसातल में चला गए थे और वो पृथ्वी को अपने दांत के अग्र भाग के रख करके पृथ्वी को स्थापन किया और हिरण्याक्ष को वध किया। और किस प्रकार भगवान राम जी ने किस प्रकार सुंदर सुंदर लीला किया, तो इसी प्रकार भगवान के जितने भी अवतार समूह है, जिस जिस अवतार भगवान इस कलिकाल में इस युग में चार युग में ग्रहण करते हैं ये पूरा का पूरा अवतार समूह बताइए। जो पंचवा प्रश्न है उसमें बता रहे हैं कि हमें भगवान का जो जस भगवान का महिमा वो बताइए। केवल ब्रज में किस प्रकार ठाकुर जी ने बड़े सुंदर सुंदर माखन मिश्री खा करके गोपियों के घर में जाके तोड़ फोड़ कर दिया, ब्रज में कितना सुंदर रास लीला किया और जितने भी मधुर लीला है वो सारे के सारे लीला बताई और भगवान का नाम का क्या जस है। किस प्रकार अजामिल ने केवल भगवान के नाम मात्र एक अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया था, लेकिन अंतकाल समय में जैसे ही उसने हा नारायण बोल के उसने भगवान को नहीं बुलाया अपने बेटे को बुलाया तो वहां साक्षात भगवान के विष्णु दूत प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान के जो अमल जस है उसी जस के बारे में हमें कृपा करके बताइए। और जो सठवा प्रश्न है, जिस समय कृष्ण इस जगत को छोड़ करके नित्य धाम पे जा रहे थे, नित्य धाम पे जाने के समय क्या हुआ, नहीं कलियुग में अज्ञान रूपी अंधकार फैला गया छा गया, तो बोलने धर्मम कम किम कम शरणं गतः, धर्मम किसके शरण में आश्रय करके रुके। जिस समय भगवान इस जगत से जा रहे थे तो धर्म के कहाँ पे स्थान दिया और कौन सा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है वो सारे बात को हमें कृपा करके बताइए। तो ये है छह प्रश्न, ये छह प्रश्न का जो उत्तर है वही पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम है। तो किस प्रकार ये छह प्रश्न का उत्तर देते हैं इसे हम गुरुदेव के मुखारविंद श्रवण करेंगे। बलसे वृंदावन बिहारी लाल की, बलसे सुत गोस्वामी की। लगता है सबके साथ सो गए हो, सोई की जगह हो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण, आप लोग बोल नहीं रहे हो क्या चक्कर है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सौनक गादियों ने जब ये छह प्रश्न की, ये प्रश्न को सुन करके सुत गोस्वामी का रोम रोम खिल उठा। बोले क्यों खिल उठा, क्यों प्रसन्न हुए, बोले ये संत है, देखो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। कहते भैया संतों को पास में जाकर दुनियादार की बात मत करो, क्योंकि जो संत हैं उनका लक्षण कृष्ण खुद कहते हैं, बोले मत कथा मत गता चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे जो भक्त होते हैं उनका जो लक्षण है ना वो मेरी कथा में ही डूबे रहते हैं,
मत मेरे चिंतन में ही डूबे रहते हैं। अगर उनको आनंद देना तो क्या करो, दुनिया की प्रश्न नहीं करके ठाकुर संबंधी प्रश्न करो, क्योंकि जब दुनिया की प्रश्न करते हैं मानो उनको भगवत चिंता छुड़ा करके हम क्या करते हैं, दुनिया की चिंता में ले आते हैं। लेकिन जब भगवत संबंधी प्रश्न करोगे क्या होगा, प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए इनकी रोम रोम खिली उठा रोमहर्षि ऋषि की। तो उन्होंने उत्तर देते देने से पहले सबसे पहले गुरु जी की वंदना करते हैं, बोले बंदाऊ गुरु पद पदो मा पया गुरु जी इन्होंने गुरु जी के चरण में प्रणाम करते हैं। बोले मेरे गुरु जी कौन है, बोले जम प्रभजंत मनु पेतम अपेत कृत्यम द्वै पायन विरह कातर आजु भाव पुत्रेति तन्मय तयातर वो विनेदुम स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुस्मि। कहते मेरे जो गुरु जी श्री सुखदेव गोस्वामी, कहते साधारण रूप में बच्चे माँ की गर्भ में कितना महीना रहती है, बोलो कितना महीना रहती है, 9 महीना। लेकिन कहते मेरे गुरुदेव 16 साल तक रहे। जब उनको गुरु उनको पिताजी ब्यास देव बोले निकल करके आ जाओ, बोले पिताजी हम बहुत आराम से बड़ा आनंद आ रहा है, भजन कर रहा हूँ बैठ बैठ करके, हम ये माया की संसार में जाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर यद्यपि मातृगर्भ है लेकिन बड़े खुश हूँ यहाँ पर, क्यों भजन हो रहे हैं ठाकुर जी। कहते वहीं पर रहो जहाँ पर रहने पर तुम्हारी भजन बढ़िया हो, ऐसे स्थान में मत रहो जहाँ पर तुम्हारी भजन नहीं हो, मना कर देते हैं। हमारी संप्रदाय में एक संत थे, वो क्या करते थे, पायखाना को अंदर में बैठकर भजन करते, जो पुराने पायखाना। बोले क्यों, बोले दुनिया में जाओ तो सारा दुनिया लोग आकर के उल्टा पुल्टा दुनिया की बात करते हैं, उससे तो बढ़िया बैठकर घर ही नाम करो। एक संत थे वो क्या करते थे, चारों तरफ मछली की कांटा को बिछा देते थे, चारों तरफ फेंक कर रखते। बोले क्यों, लोग ये सोचे ही बाबा मछली खाने वाले, मेरे पास में कोई आए नहीं और बढ़िया से भगवान की बढ़िया से भगवान का भजन हो, हैं। इसलिए बोले भैया बड़ा आनंद आ रहा है भजन कर रहा हूँ यहाँ पर। तब व्यास देव बोले भैया माँ को इतने कष्ट क्यों दे रहे हो, आप लोगों को पता होगा 9 महीना तो बच्चे को पेट में धारण कर तो कितना कष्ट है, अगर कोई बच्चा अगर 16 साल तक रह जाए क्या होगा बताओ, हैं। इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी को जो बोले, सुखदेव गोस्वामी कहते मैं आना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये माया की संसार है। मातृ गर्भ में जो बच्चा होता है जब उसको 7 महीना हो जाए उसको हजार हजार साल की बाद याद आता है, पहले मैंने किसी झूठ बेईमानी उल्टा पुल्टा करके पैसा कमाया, जब सुख था सारा दुनिया मेरे साथ में दिए, लेकिन जब कर्म का फल भोग कर रहा हूँ वो कहाँ बीवी, वो कहाँ बच्चे, वो कहाँ पिता, वो कहाँ माता, कोई तो यहाँ है ही नहीं, सारे दुख मेरे को अकेला भोगना पड़ रहा है। भगवान को पुकारता है, ठाकुर जी ये नरक से मेरे को निकाल दो। बोले अभी क्या करोगे, बोले मैं समझ गया संसार में कोई किसी का नहीं, ये केवल माया की संसार है, झूठे संसार और केवल मतलब का संसार है। बोले कि आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो, और पैसा गन और तुम कौन, कि बड़ा दुनिया विचित्र दुनिया ये है, इसलिए हम ये झूठे संसार में आना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मेरे को माफ कर दो। इसलिए जब गर्भ में 7 महीना हो जाए भगवान को पुकारता है, भगवान कहता अभी बताओ क्या करोगे, देखो हमने क्या वायदा करके आए। बोले एक बार केवल हमें ये मानव शरीर दे दो, हम कसम खाता हूँ कान पकड़ता हूँ ये झूठा संसार में कभी नहीं फंसूंगा, उठते बैठते सोते तेरे नाम लूंगा, तेरे भजन करूंगा,
भगवान बोले ऐसे नहीं, ये दुख कष्ट पा करके मेरे को याद कर रहे हो, फिर जब जन्म दे दूंगा भूलते नहीं जाओगे? बोले एकदम नहीं भूलूंगा। ठाकुर जी बोले देखो बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? बोले जब एक बाल पक जाए ना, मेरे फर्स्ट वार्निंग है। अब नजर लगा कर देखना जब बाल पकती कहाँ से, देखना यहीं से, सबसे पहले यहीं से बाल पकता है। ध्यान लगा कर देखना, क्यों? कान में पहला बेल दे दिया, क्या बोल करके आया था? दिन भर हरिनाम करोगे ना, कितने समय हरिनाम कर रहे हो, कितने समय बेटी बहू नाती पोती दुनियादारी कितने समय चुगली बेटी बहू की कर रहे हो? वो पहला वार्निंग दे दिया, लेकिन जब एक बाल पक जाए ना, हम उसको उखाड़ देते हैं। बोले इतना जल्दी बूढ़ा बूढ़ी बना रहे हो, हम बूढ़ा थोड़ी हो गए। फिर दूसरा वार्निंग देते हैं, बोले क्या देते हैं? फिर और एक बाल पकता, फिर उखाड़ देते, लेकिन जब ज्यादा खिचड़ी हो जाता ना, फिर कलर कर देते हैं, कहते हम बूढ़ा बूढ़ा कुछ नहीं हुए। भगवान बोले दूसरा बार नहीं दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले आंखों में कमजोरी हो जाएगी, फिर चश्मा लगाते हैं। बोले तीसरा बार नहीं दूंगा, क्या दोगे? बोले एक एक करके दांत तोड़ना शुरू करूंगा, फिर जब टूट जाए ना, फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर बढ़िया दांत लगा देते हैं और खिलखिला कर हंसते हैं, फिर कुछ नहीं हुआ, हम चंगे हैं, जो चिंता मत करो। भगवान कहते फिर चौथा वार्निंग, फोर्थ। बोले दो पैर से तीन पैर पैर कर दूंगा, डंडा पकड़ना शुरू करूंगा धीरे धीरे। ये कहते हैं इसे वार्निंग के ऊपर से आ रहा है, मतलब क्या? भजन करो, तूने मातृ गर्भ में, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को कोटो न लगे कपास, आए थे हरि भजन को। ये जीवन केवल अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, केवल ब्रह्मों को जानने के लिए ही जीवन है। खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना कौन नहीं करता, कौन सा जानवर नहीं करता? देखो सुअर को देखो, दस तक बार बार बच्चे एक साथ में देते हैं, एक महीना में बड़ा करता है। हमको तो खाने के लिए कितने नौकरी चाकरी, कौन सा नौकरी चाकरी कर रहे हैं, कौन स्कूल कॉलेज में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, अपने आप उनको खाना मिल रहा है। इसलिए ये सबके सब एक एक वार्निंग है, ऊपर से वार्निंग आता है। इसलिए भगवान कहते भैया समय रहते प्रभु का भजन कर लो, नहीं तो इसे जीवन अगर नष्ट हो गया तो ठाकुर दोबारा कभी भी निशान जीवन नहीं देंगे। जैसे करनी वैसे धरनी। बोले जिंदगी में क्या किया? लिखाई पढ़ाई किया, शादी कर लिया, दो चार बच्चों को पालन किया, इससे बड़ा तुमने क्या कर लिया? जाओ जानवर जीवन में जाओ, भागवत कहता है जानवर जीवन में जाओ, खूब बच्चे जन्म दो, खूब खाओ पियो, काम तो यही किया है ना। लेकिन ये जीवन जो भगवान ने हमें दिया किस लिए दिया है? प्रभु की भजन करने के लिए दिया, क्योंकि और किसी जीवन में भजन नहीं होता है, केवल इसी जीवन में ही प्रभु का भजन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने पहले उन्होंने सुखदेव गोस्वामी कहते मेरे गुरुदेव, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी कहते सुखदेव गोस्वामी, जो जन्म होते ही भगवान आकर के जो माया को हटाए, श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म हुए। बोले श्री सुखदेव महाराज की, लेकिन वो जन्म होते ही बोले जम प्रभजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम। बोले जिनकी अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुई, अभी उन्होंने सन्यास लेकर के जा रहे हैं, व्यास देव पीछे बोल रहे हैं हा पुत्र हा पुत्र, प्रतिध्वनि क्या आ रहा था? हा पुत्र। बोले कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता? सब झूठा संसार है, मैं भी कभी आपका पिता बना हुआ होगा। लेकिन यहाँ सुत गोस्वामी कहते हैं तन्मय तर वो भी ने दू, कहते जितने वृक्ष भी ना हा पुत्र बोल रहे थे। बोले क्यों? कहते जा पर कृपा हरि की हो, ता पर कृपा करे के सब कोई। जिसको भगवान का प्यारा जो हो जाता है ना, सब उनको प्रेम करने लग जाते हैं। ये भगवान की भक्त हैं, इसलिए कहते लता पता भी उनको प्रति आ सकते हैं, कि भगवान की प्यारा है। दूसरा कारण कह रहे हैं, कहते मेरे गुरु या गुरु तत्व कह रहे हैं। बोले गुरु तत्व क्या है? बोले गुरु तत्व वह है जितने वृक्ष लता पताओं में भी मेरे गुरुदेव का विद्यमान। जब मेरे गुरुदेव सर्वत्र विद्यमान है, ये गुरुदेव मेरे हृदय में भी विद्यमान हो जाए। और ये सौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न की, इनके प्रश्न का उत्तर जैसे मैं दे पाऊं, इसलिए उन्होंने गुरुदेव का प्रणाम किया। देखो यहाँ पर और एक अच्छी चीज है, कहती है व्यास देव कौन है? बोले ये व्यास नारायण स्वयं, ये नारायण। ऐसे लग रहा है जैसे किसका बेटा साधु संन्यास होकर चले जाए ना, पिता माता को पीछे पीछे भागते, बेटा तू कहाँ साधु संन्यास घर बार छोड़कर तू कहाँ जा रहे हो? जैसे पिता माता बच्चे पीछे पीछे भागते है ना, ऐसे लगता है व्यास देव भी बेटे को पीछे पीछे भाग रहे। नहीं,
व्यास देव को पता है मेरे जो बेटा सुखदेव गोस्वामी वो साधारण नहीं है, ये राधा रानी के प्रिय सुख परम संत हैं। अगर कोई संत घर में जन्म हुए फिर वो संत घर छोड़ करके जा रहे हैं, कितने दुख की बात है। अगर बेटा मेरे पास में रहता तो क्या होता, ठाकुर जी कथा सुनते, आपस में हरि चर्चा करते। साधारण पिता की ये मोह नहीं, ये मोह है एक संत हमसे दूर जा रहे, यही मोह है। नहीं तो व्यास देव का नारायण स्वयं है, इसलिए इन्होंने पहले अपना गुरु जी की चरणों की उन्होंने पूजा करके प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या था अब याद है कि नहीं, पहला प्रश्न क्या था कौन बोलेगा? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये करोड़ रुपया की क्वेश्चन है। हम जीवन में सबके सब शांति ही चाहते हैं, कोई भी दुख को निमंत्रण नहीं देते। कोई दुख को निमंत्रण देते हो बोलो, कोई दुख को घर में बुलाते हो? नहीं बुलाते हो, लेकिन ये बिना बुलाए आता कि नहीं? बिना बुलाए आते हैं, ये आश्चर्य की बात है। इसलिए इनका पहला प्रश्न आत्मा को शांति कैसे मिलेगा, उसको उत्तर देते हैं। बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधक सजे आहै तुकी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसीदति। बोले आत्मा को परम शांति कब मिलेगा? बोले तभी आत्मा को परम शांति मिलेगा जब ये जीवात्मा ये परमात्मा की शरण में जाएगा, क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव भगवान के हम संतान है, भगवान के बच्चे हैं, जब हम उनकी बच्चे फिर हमारी कर्तव्य किया पिता की सेवा करना, यही तो हमारी कर्तव्य है ना। इसलिए परम पिता कौन है, कितना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विद्याम द्रविण तुमेव तुमेव सर्वम मम देवद। भगवान ही हमारी परम पिता, उनकी सेवा करना ही यही जीव का कर्तव्य है। इसलिए कहते सबई पुंसांग परो धर्म, जगत में जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना, उसको प्रेम करना। बोले हमारे जो संसार है घर गृहस्थी उसको प्रति बोले कर्तव्य धर्म नहीं तुम्हारी, ये तुम्हारी कर्तव्य पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, इसका प्रति तुम्हारी कर्तव्य, ये धर्म तुम्हारी नहीं है। धर्म तो ईश्वर अंश जीव है, जीव ईश्वर का अंश होने का नाते ईश्वर की आराधना ही इसका एक ही धर्म, और कोई धर्म उसकी है नहीं, एक ही धर्म। लेकिन संसार का प्रति कर्तव्य है, जब ये जीव परमात्मा के शरण में जाएगा तभी उसकी शांति सुख मिलेगा। देखो जैसे एक पत्थर को आप ऊपर फेंको वो किधर जाएगा, कहाँ जाएगा बोलो? नीचे। क्यों नीचे क्यों आएगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है इसलिए वही आएगा। जैसे पानी डालो पानी कहाँ जाएगी, नीचे। नीचे क्यों जाएगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगी? वो आती है कहाँ से, समुद्र से आता है, यहाँ से किसी नाली में मिलेगी, नदी में, वो लास्ट में जाकर समुद्र में मिलेगा। वो पानी आया कहाँ से, समुद्र से आया, वो लास्ट में वही मिलेगा। अब दिया जलाओ, दिया का लो कहाँ जाएगी, ऊपर क्यों जाएगी? कि उसका जो मूल सूरज है, उसका मूल सूरज है, इसलिए वो उधर जाना चाहते हैं। इसलिए दुनिया में हम बताओ जीवन जीवन में कौन दुख चाहता है, हाथ उठा दो, कोई ना नहीं चाहता। बताओ संसार में सुख शांति कौन चाहते है? सब चाहते हैं। अभी प्रश्न क्यों सुख शांति चाहते हो, कारण क्या? बोले कारण है जो जीव है ना ये अमृतस्य पुत्रा, हम सबके सब भगवान के संतान है, और भगवान आनंद स्वरूप रस स्वरूप प्रेम स्वरूप है। इसलिए जीवन में हमें भी यही रस यही आनंद यही सुख चाहते हैं। अभी प्रश्न है फिर सुख क्यों नहीं मिलता, कारण क्या? बोले कारण है ये ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें तीन वर्ड आता है, अतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा। सुख चाहते हैं लेकिन सुख मिलता क्यों नहीं? बोले जहाँ सुख मिलनी चाहिए हम वहां सुख नहीं ढूंढते हैं, हम गलत जगह पर सुख ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? बोले संसार में अपना बीवी बच्चे से ही सुख शांति ढूंढते हैं, और जीवन में स्वयं जो दुखी है एक दिन स्वयं जो मरने से ले वो शांति सुख कैसे देगा तुमको? वो आनंद स्वरूप रस स्वरूप तो भगवान ही है। इसलिए जहाँ ढूंढनी चाहिए वहां नहीं ढूंढ करके हम गलत जगह पर ढूंढ सुख रहे हैं, इसलिए हमको शांति नहीं मिलती है।
इसलिए अगर शांति सुख चाहो तो ठाकुर की शरण में ही मिलेगा और वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास रामचरित में 9 उदाहरण दिया है। देखो उन्होंने क्या उदाहरण देते हैं, बोले बारी मथे है घी सिकता ते बरुते। वो उदाहरण देते हैं, अगर कोई रेती को पीस पीस करके बोले तेल निकाल दिया, बताओ रेती से तेल निकलेगा आपको? नहीं निकलेगा। कहते मैं इसको मान सकता हूँ। अगर कोई पानी को मंथन करते करते बोले घी निकाल दिया, निकलेगा? नहीं निकलेगा। बोले अगर कोई मान दे, कोई बोले आकाश में फूल खिलता है, आकाश में कोई फूल देखे हो? बोले ये भी मान सकता हूँ। कोई बोले बांझ का बेटा हो गया, अरे बांझ इसलिए बेटा है नहीं, इसको भी मान सकता हूँ। कोई बोले कछुआ के पीठ के ऊपर बाल आ गया है, वो होता ही नहीं कभी। कोई बोले खरगोश का सींग आ गया, बोले वो होता ही नहीं। कोई बोले बर्फ के ऊपर पानी जल आग जल रहा है। वो सब उदाहरण देकर कह रहे हैं, कहते ये कभी संभव हो सकती है, ये असंभव भी। अगर कोई कहते हैं हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करते, हम तो खुश सुखी है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ये कभी हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांत अपेल, ये अटल सिद्धांत है। हरि विमुख कभी जगत में सुख नहीं मिल सकता है। रावण जैसे व्यक्ति सोने की लंका जिसकी, हम सोचते हैं ज्यादा पैसा होने पर सुख मिलेगा, रावण की सोने की लंका थी। अच्छे से तो कोई अच्छी छोरी से शादी हो जाए सुख मिलेगा, पत्नी जिसकी मंदोदरी 1000 करोड़ पत्नियां, मेघनाथ जैसे बेटा, वो शंकर जी को कहते हैं कदा सुखी भवामि हम, हे भोले बाबा बड़े दुखी हूँ, सुख कब बनेगा? अरे रावण जैसे व्यक्ति को दुनियादारी वस्तु से सुख नहीं मिला, तुमको कहाँ सुख मिलेगा? कहते अगर जीवन में सुख चाहते हो भैया भगवान की भजन करो, भगवान की भजन के बगैर सब दुख भिखारी। इसलिए कहते जीव को तभी शांति मिलेगा जब ठाकुर जी की शरण में जाएगा। आप बोलोगे हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कैसे भक्ति करनी चाहिए वो दो दूसरी लाइन में कहते हैं, बोले अहैतुकी और अप्रतिहता। भक्ति कैसे होनी चाहिए? भक्ति निष्काम होनी चाहिए, भक्ति में कोई कामना वासना नहीं हो। लेकिन जैसे हम ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं, 10 रुपया की एक फूल की माला चढ़ाएंगे, लेकिन एक पर्ची भी रख लेंगे, कम से कम वो तो 10 करोड़ का होगा। ठाकुर जी 10 रुपया इसलिए दे रहा हूँ, 10 रुपया की माला फल, हमारी बेटा का नौकरी लगा दो, बेटी की शादी कर दो, हमारे 3 मंजिली मकान बना दो, गाड़ी दे दो, बाड़ी दे दो, हैं? कहते ये भक्ति नहीं होगी, ये तो ठाकुर का नौकर बनाना हो गया। 10 रुपया दे करके ठाकुर जी मेरे घर में आओ, हमारे घर में नौकर बन करके सारे काम करो, ये भक्ति नहीं हो गई, ये तो बिजनेस हो गया तुम्हारे, हैं? और भक्ति बोले अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब है भक्ति कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे कि शहद ऐसे डालो ना, देखना उसमें एक धागा बन जाती है। कहते भक्ति ऐसे होनी चाहिए कंटिन्यू, एक सेकंड के लिए मन कहीं इधर उधर नहीं जाए, उसी में ही मन रम जानी चाहिए, ऐसे भक्ति होनी चाहिए। कहते ऐसे जब भक्ति हो जाएगी ना, ठाकुर जी कहते हैं बस परम शांति तभी तुमको मिल जाएगी। हनुमान जी को देखो, हनुमान जी क्या करते हैं, बोले रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम जय रघुपति हनुमान जी राम की सेवा करते हैं और भगवान के नाम जप करते हैं। आप लोग बोलोगे भैया हम तो घर गृहस्थी, हम थोड़ी साधु शब्द दिन भर माला लेकर के थोड़ी बैठ सकते हैं। अच्छे तरह से सुनो, आप बोलोगे क्या हम संत थोड़ी दिन भर माला लेकर बैठेंगे? हम तो घर गृहस्थी है ना, अपना बीवी बच्चे सारा दुनिया, हम क्या माला लेकर थोड़ी बैठेंगे? भाई भैया माला लेकर बैठने की जरूरत नहीं, भगवान कहते जो कुछ करो मेरे को बीच में रख करके सुंदर घर बनाओ,
क्यों? बोले भगवान के लिए मंदिर है, ये घर नहीं ठाकुर का, ये मंदिर है। खूब पैसा कमाओ, क्यों? पैसा के बगैर लक्ष्मी के बगैर ठाकुर का सेवा कैसे होगी? लक्ष्मी तो ठाकुर जी की है ना, लेकिन ये पैसा क्यों कमा रहे हो? ये नजरा बदलाओ, ये नजर को बदलाओ। पैसा लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी नारायण की सेवा के लिए। अपना सुंदर घर बनाओ, घर में ठाकुर जी को विराजमान करवाओ। बोले ये घर किसने दिया, किसकी कृपा से? ठाकुर जी की। घर में झाड़ू लगाओ, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो। रोज रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ ठाकुर जी के लिए। खाना किस लिए बना रहे हो? खुद खाने के लिए नहीं, ठाकुर जी की सेवा के लिए। ठाकुर जी की भोग लगेगा। बच्चे बच्चे किसने बच्चे कि बच्चे किसकी है? किसने कृपा करके बच्चे दिए? ठाकुर जी ने कृपा करके बच्चे दिए, बच्चे ठाकुर जी के। इसलिए गोपियां घर में ही थे, घर छोड़े नहीं। ये भागवत पढ़ करके देखो, जितने सब चरित्र आएगा ना, सब गृहस्थी का चरित्र है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद, अम्बरीश गृहस्थ ना, त्यागी थे, सब गृह में थे। कोई त्यागी नहीं थे, सब घर में रहते थे। लेकिन सब कुछ का जो मेन सेंटर है ना, वो ठाकुर जी का रखे हुए थे। गोपियां कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त, वो भी घर में रहते थे। सब कुछ भगवान के लिए करते थे। इसलिए क्या करो, सब कुछ का मूल में किसका रख दो? ठाकुर जी का रख दो, बस बड़ा ही पार है। इसलिए हाथ में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम, हो गया कल्याण, हो गया। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण। आप लोग बोल रहे हो क्या चक्कर है? कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कदी ये पहला प्रश्न का उत्तर। बोले दूसरी प्रश्न किया था, बोले कलयुग में भगवान को पाने का ठाकुर सबसे सरल उपाय क्या रखा? बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुत भयम जोगिनाम निप निर्मित हरे नामानुकीर्तन। बोले कलयुग में ठाकुर जी को पता, कलयुग में परमात्म ज्यादा परिश्रम कर ही नहीं सकते, इसलिए ठाकुर जी सबसे सरल उपाय बताए। बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम मत किया करो, नहीं करके क्या करो? बोले कलयुग के बल ना मां आधारा, कलयुग के बल ना मां आधारा, कलयुग के बल ना मां आधारा, कलयुग के बल ना मां आधारा। सुमेरे नारोता राही पारा, सुमेरे नारोता राही पारा, कलयुग के बलना माधारा, कलयुग के बलना हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण hare 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 hare
राधे राधे राम गली में, राधे राधे राम गली में, राधे राधे गुंज गली में, राधे राधे बरसाने में, राधे 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 सत्य युग में ध्यान करते थे लेकिन कलयुग में ध्यान नहीं है। कृष्ण खुद अर्जुन खुद कहे थे द्वापर युग में चंचल ही मन कृष्ण, हे अर्जुन मेरा मन बड़ा चंचल है, हैं? अब आंख बंद करो, एक सेकंड में बताने मिनट में ये कहाँ घूम घाम कर मन आ जाता है। इसलिए बोले सत्य युग में था ये ध्यान, कलयुग में तृतीय युग में था यज्ञ। अभी देखा यज्ञ भी कलयुग में करना बड़ा कठिन, एक यज्ञ करो पता नहीं कितने पैसा खर्चा हो जाता है, घी लाओ हवन सामग्री लाओ, हैं? फिर कलयुग में शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, मंत्र भी शुद्ध होनी चाहिए, फिर पैसा भी चाहिए, कितने कष्ट लगेगा। और आग को पास में बैठे तो धुआं निकलेगा, आग की लपेट कहाँ से कष्ट करेंगे। इसलिए बोले यज्ञ भी कलयुग में बड़ा कठिन है और प्योर घी भी नहीं मिलता है। कुछ दिन पहले न्यूज पेपर में आया था हमारे उधर कहीं घी बन गई थी, आपको पता है कैसे घी बन रही थी? केवल हड्डी को गला करके उसमें सेंट डालकर बना रही थी, घी का नाम गलने का। कलयुग में घी भी पवित्र नहीं, गैया घी मिले आपको इधर हो सकता है, गैया जो पालते हैं प्योर घी होगा। फिर हवन सामग्री, हम गए थे हाथरस एक जगह पर प्रचार करने के लिए, आपको पता है कैसे हवन सामग्री बन रहा था? वो जो लकड़ी का जो बुरादा था ना, वो लकड़ी की बुरादा में जो गाड़ी का जो बच्चा हुआ तेल तेल को मिला मिला करके हवन सामग्री मिलता था। बताओ ये देवता लोग कैसे ग्रहण करे। इसलिए कलयुग में सारी गड़बड़ी चीज है, इसलिए ठाकुर जी ने देखा ये हवन भी कठिन है। फिर द्वापर युग में था अर्चन, अर्चन करने के लिए पंचामृत चाहिए, दूध दही शहद घी, फिर अगुर चंदन कर्पूर फूल माला, अभी कहाँ से इतना लाएंगे। इसलिए ठाकुर जी बोले भैया कलयुग में ये सब करने का जरूरत नहीं, कलयुग में हरि का नाम करो, हरि का नाम ये शुद्ध है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। जैसे अभी भगवान का नाम ले रहे हो, कोई मिलावटी नहीं, और उसमें आनंद भी है, इसमें आनंद है। ठाकुर का कीर्तन में आनंद आ रहे कि नहीं? आनंद आ रहे, रस आ रहे हैं। देखो ये भागवत में एक श्लोक है, जब ये नेमी महाराज का दरबार में नव जोगेंद्र आए, जब उन्होंने पूछे कलयुग का अवतार कौन और उनको कैसे उपासना करेंगे, देखो ये श्लोक है कितने बढ़िया श्लोक है। बोले कृष्णा वर्णम तिसाम अकृष्णम सांग पांग अस्त्र पार्षदम जज्ञई संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। बोले कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, बोले संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा भगवान को उपासना करेंगे। इसलिए बोले कलयुग में संकीर्तन ही यज्ञ है। तो यहाँ प्रश्न करते संकीर्तन कैसे यज्ञ? यज्ञ के लिए कुंड चाहिए, यज्ञ के लिए हवन सामग्री चाहिए, घी चाहिए, मंत्र चाहिए, इतने चीज होने पर तो यज्ञ बनेगा ना, यज्ञ कैसे हो गया? देखो क्या उदाहरण दिया है। बोले ये कान देखो कुंड जैसे बना हुआ है, जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं ये क्या है? कहते ये जैसे इंद्राय सुहा वरुणाय सुहा मंत्र, कहते उसमें घी क्या है,
बोले जिस भाव से आप ठाकुर का नाम ले रहे हो ये घी, बोले अग्नि क्या है, अग्नि क्या है, बोले अग्नि तुम्हारे हृदय में जो प्रेम प्रकट हुआ वह अग्नि, बोले उसमें के चम्मच होता है ना घी डालते हैं, बोले ये चम्मच क्या, बोले ये जीवा, बोले ये जीवा रूपी चम्मच से कान रूपी कुंड में कृष्ण नाम रूपी मंत्र को हृदय रूपी भाव को द्वारा जो प्रदान करेगी, हृदय में ठाकुर का प्रति जो प्रेम प्रकट होगा वही अग्नि है। बोले कलयुग में यही यज्ञ है। बोले भैया यज्ञ करने से क्या होता है, पहले तो जैसे यज्ञ में जैसे घी दो, आप देखना जैसे कंडे होता है ना गैया की जो कंडे जो होता है उसमें घी डालो ना, उसमें ऑक्सीजन निकलती है, इसमें ऑक्सीजन निकलता है, ये भी वातावरण को जो पवित्र करने वाला ऑक्सीजन है। और जिस देवता को नाम पर दो वो देवता भी प्रसन्न होते हैं यज्ञ में। कहते अब हरिनाम से क्या होगा, एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे एक पत्थर को आप पानी में फेंको, अब देखना पानी में क्या होगा, लहरी आएगी, इसमें लहरी देखना, लहरी धीरे धीरे अंतिम छोर को स्पर्श करेगा, फिर दो बार आएगा, फिर तीन बार आ जाएगा। कहते उसी तरह जब भगवान का नाम जब लेते हैं उसमें क्या होता है, कहते इसकी आवाज जितने दूर तक जाए, इसलिए बोले मधुरम मधुरम मेत मंगल मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीति स्वरूप। बोले जो भगवान का जो नाम है कदी मधुर से भी मधुर मंगल से भी मंगल है, हैं? कदे सकल निगम बल्ली जितने वेद पुराण इतिहास का जो सार प्रभु का नाम है वो क्या करता है, कदे जितने जितने दूर तक इसकी आवाज जाए, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम जितने दूर तक इसका आवाज जाएगी सारे अमंगल को जितने भूत पिशाच डाके पिशाकी, कहते हैं कदे सर्व पाप विनाशनम सर्व उपद्रव समनम, भगवान का जो नाम है कहते सारे उपद्रव को तो अगर कोई नष्ट कर सकता है ये भगवान का नाम है। सर्व उपद्रव समनम सर्व अरिष्ट शांति दम ख्यांति रष्टम हरे नमान कीर्तन, हरि का नाम कीर्तन करने से जितने दूर तक इसकी आवाज जाएगी सारे अमंगल को दूर कर देगा। देखो आप लोग जैसे गांव के ना, मैं भी एक गांव का हूँ, जब हमारी गांव में पहले जो भूस का घर होता था हमारे गांव में, पहले गांव में हम लोग एक साधारण गांव के में हूँ, अगर हमारी गांव में हैजा महावारी कोई बीमारी घर में कहीं आग लग जाए, जब हो ना हमारे गांव के लोग अष्टप्रहर कीर्तन करते थे और ये मृदंग मजीरा लेकर गांव में कीर्तन करना शुरू करते थे, जब कीर्तन करते थे धीरे धीरे जितने सारे गांव का दुख कष्ट अपने आप शांत हो जाते, अपने आप शांत हो जाते प्रभु का नाम से। आप स्वयं घर में बैठ करके अगर बड़े दुख कष्ट आ रही है अब घर में बैठो थोड़ा हरि कीर्तन करो, अब स्वयं देख लेना धीरे धीरे सारे अमंगल दूर हो जाएगी, घर में अपने आप शांति सुख आ जाएगी। इसलिए हनुमान जी दिन भर यही तो करते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यही तो करते करते क्या, कद महावीर जब नाम सुना भी भूत विश्वास निकट नहीं आ, भैया क्यों कहां ताकत आ गई, केवल राम नाम की बल पर ही है और कोई कुछ नहीं। इसलिए स्वयं शंकर जी देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, महामंत्र जे जप त महेशा काशी मुख ती है तो उपदेशा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भैया शंकर जी कितने जय जयकार क्यों हैं, बोले महामंत्र जयी जप त महेशा स्वयं शंकर जी पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर जी पंच मुह में राम का नाम लेते हैं। माता पार्वती आठ हाथ में देखना, एक हाथ में माला है माता पार्वती की। एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न कर रही है, अच्छे तरह से सुना, प्रश्न कर रही है किसकी नाम जब करनी चाहिए, देखो शंकर जी कहते हैं बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरादन। ये शंकर खुद कहते हैं बोले माता पार्वती 1000 विष्णु नाम से जो फल है एक बार राम नाम से वही फल है, तभी से माता पार्वती के हाथ में देखो माला है प्रभु की माला जप करती है। ये रामचरितमानस में कहते हैं बोले सहसना मा सुनी प्रिय वाणी जपी जय प्रिय संग भवानी।
पार्वती को इतने प्रेम क्यों करते हैं? बोले कारण यही है माता पार्वती प्रभु का नाम जप करते हैं, हनुमान जी तो करते हैं, गणेश जी नाम जानते नहीं, गणेश जी की सबसे पहले पूजा किसकी होती है, क्यों होती है? देखो शास्त्र में कथा आती है, बोले एक समय 33 करोड़ देवता की मीटिंग हुई, मीटिंग का विषय था अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। बोले अग्र पूजा उसकी होनी चाहिए विश्व ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके आ जाए, पहला पूजा उसकी होगी। अभी देखो भारत में प्राइम मिनिस्टर कौन, मोदी, मोदी प्राइम मिनिस्टर। आप देखना कितनी लड़ाई झगड़ाई, भैया कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, साधारण केवल है कि भारत की संपूर्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में अग्र पूजा किसकी होगी, पहला पूजा की कोई साधारण बात है। बोले जो ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आएगा, ब्रह्मा जी हंस वाहन में उड़ चले, कार्तिक मयूर वाहन में उड़ चले, अभी अपना अपना वाहन में देवता सब चले 33 करोड़ देवता में। अभी बताओ गणेश जी की वाहन कौन है, मूसक। अभी गणेश जी कहाँ जाएंगे भैया, हाँ गणेश जी इतना पेट मोटा, इतना बड़े शरीर, चूहे गोबरे कहाँ जाए, अभी चुपचाप बैठे हुए। इतने में नारद जी आए, बोले क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे बात है जो ये ब्रह्मांड को परिक्रमा करके पहला आ जाएगा उसकी अग्र पूजा होगी। अभी मैं कहाँ जाऊँ ये मुसव को लेकर, बोले कोई चिंता मत करो, हरि से बड़ा हरि का नाम है, लिखो प्रभु राम का नाम को, अब 3 बार परिक्रमा कर लो। बोले गणेश जी पता नहीं ये देवता लोग कितने दिनों में ये ब्रह्मांड परिक्रमा करके आएंगे, तुम्हारी एक ब्रह्मांड नहीं, क्योंकि भगवान के अंदर में अनंत करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान, तुमने एक ब्रह्मांड नहीं, तुमने अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को तुमने 3-3 बार परिक्रमा कर लिया। सारे देवता पसीना से तरवर होकर साल 2 साल में आए, पसीना बह रहा था, मीटिंग हुई, पहला पूजा किसकी हुई, किसने कहा ब्रह्मांड को परिक्रमा करके मैंने आए, किसने बोला तेरे से पहले मैं आ गया था तुमने देखा नहीं, तीसरा बोले तेरे से पहले अभी लड़ाई होना शुरू हो गई, इतने में गणेश जी बोले सब चुप रहो, तुम एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितने सालों में परिक्रमा करके आए हो, मैं तो अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को मैंने 3-3 बार परिक्रमा लगाई। ए, सब लोग ठा लगा कर हसे, मुसक जिसका बाहन और जहाँ के तहा बैठा हुआ, हम एक ब्रह्मांड परिक्रमा नहीं कर पाए और ये अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को परिक्रमा कर ली। नारद जी बोले बात सही कह रहे हैं, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है, उसने प्रभु राम का नाम को उन्होंने 3-3 बार परिक्रमा लगाया, मतलब है अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को 3-3 बार परिक्रमा लगाया, जय जयकार होगी गणेश जी की। इसलिए गोस्वामी जी कहते देखो माही मजा सो जान इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं गणेश जी की पूजा पहले क्यों हो रहे हैं, केवल एक ही कारण है प्रभु का नाम की महिमा को समझ, जगत में मीरा के नाम क्यों हो रहे हैं प्रभु का नाम के लिए। इसलिए 33 करोड़ देवता ब्रह्मा जी के 4 हाथ में देखना एक हाथ में माला है, आप सरस्वती को देखना 4 हाथ में एक हाथ में माला है, सबके सब यही माला जप करते हैं। इसलिए एक भजन सुने होंगे, भले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माला जपी थी यशोदा माने, माला जपी थी
माला जपी थी अंजना माने, माला जपी थी अंजना माने, मिल गया गजर जमाला जमीना कोई दिलवाला, मिल गया गजर जमाला जमीना कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जमीना कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जमीना कोई नाम संकीर्तन की कभी जपेगा कोई दिल्ली वाले नहीं है, कौन है दिल वाला, और जिसका दिल कमजोर नहीं वो नहीं जप कर सकता है, जिसका दिल बड़ा है ना मजबूत है, कोई कोई बोलेगा ना अरे माला करेंगे तो कत उसका साधु बन गई हो, क्योंकि इसको शर्म आता है ना, जिसके वे साधु नहीं बनेंगे क्या चोर बनेंगे, साधु तो बनेंगे चोर तो नहीं बनेंगे ना, इसलिए कहते जिसका हृदय मजबूत है भले भले दुनिया क्या बोले हैं, मैं तो हो गई तेरी दुनिया क्या जाने, भले ही दुनिया जो कुछ बने, मीरा ने जब भजन की थी दुनिया क्या क्या नहीं बोला, लेकिन मीरा ने क्या भजन छोड़ी, ठाकुर को भक्ति छोड़ी नहीं छोड़ी, दुनिया में तक उसकी नाम हो, इसलिए भैया जिसका दिल मजबूत है ना, इसलिए बोले एक तरह निर्विद्य माना नाम, हरि नाम को तीन व्यक्ति करते हैं, बोले संपूर्ण संसार जो मुक्त हो गए, बोले इच्छता अभयम जो जीवन में अभय पाना चाहते हैं, बोले जोगी नाम नृप निर्मित, समस्त जितने ऋषि मुनि सब के सब एक ही बात बताए, कलयुग में भगवान को पाने के लिए कोई जोग तपस्या नहीं, हरि का नाम से ही जीव को भगवत प्राप्ति हो जाएगा, यही भागवत का भी यही सार है, भगवान का नाम से शुरू होता है, अंतिम में नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अंतिम में भी प्रभु का नाम से ही विश्राम होती है, इसलिए नाम का ही सार, शास्त्र का सार ही भगवान के नाम, अगर किसी ने प्रभु का नाम ले लिया ना क्या समझो, सब वेद पुराण तुम्हारा पढ़ाई होगा, सब पढ़ाई होगी, अगर सब कुछ पढ़ करके प्रभु का नाम ही नहीं किया बोले सब बेकार है, इसलिए भारत में देखना मरते समय जो कुछ जीवन में करो नहीं करो, लेकिन जब भारत में देखना जब शरीर छूट जाती है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते हैं ना बेटा, जितने प्रभु का नाम लिया वही जा रहा है, इसके सिवाय सब जगत में सब झूठा है, ठीक है, सब हरि का नाम करना और पांच मिनट देना हमारे प्रभु जी, आप पांच मिनट कुछ कथा सुन, माइक ले लो, ये जो कथा सुनाएंगे ये परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी अलग अलग देवा देवी का नाम बता रहे हैं, किसका उपासना करने से क्या मिलेगा, लेकिन कहते हैं ऐसे कौन सा देवता जो एक को पूजा कर सब मिल जाएगी, उसमें क्या बताते हैं प्रभु जी बोले, हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। देखो ये जो कथा है ना, ये कथा संपूर्ण दुनिया में जा रही है, ये ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, ये रशिया में जा रहे, सब जगह में आपका ये जो सीनारी है ना, सब देख करके लोग इतने खुश हो रहे हैं, बोले आप लोग कहाँ गए हो, ये तो बहुत बढ़िया सीनारी, अभी तो हमने कभी देखा नहीं, इतने सुंदर पेड़ पौधा लता पता हमने कभी देखा नहीं, लोग इसको देख कर ना कमेंट करते हैं, ये कर रहे हैं हमारे बहुत बढ़िया जगह पर कथा तुम्हारी हो रही है, हमने इतने सुंदर जगह कहीं नहीं देखी, इसलिए आप लोग जहाँ बास कर रहे हो बढ़िया जानवर रहे हो, साधारण जगह पर नहीं रहते लोग, टूरिस्ट ही मतलब बुलाने के लिए आते हैं, कितने पैसा खर्चा करते हैं, आप फ्री में रह रहे हो सबके साथ, हाँ बोलो, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द, एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। ये जो बच्चा है ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और डॉक्टर कंपनी में करके 1,00,000 रुपया इसका तनख्वाह था, लेकिन ये सब छोड़ करके ड्रोन का भजन कर रहा है। इनके ताली बजाओ, ये लोग सब छोड़ करके वो लोग इसलिए भजन कर रहे हैं, वो चाहते हैं हमारी जो सनातन धर्म है ना सब जगह में प्रचार हो और जगत में हमारी धर्म घटते जा रहे हैं। आपको पता होगा, ध्यान देकर सुनो, आपको पता होगा हर साल में 10 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, 10 लाख हिंदुओं को क्रिश्चियन लोग धर्म प्रचार करके उनको क्रिश्चियन लोग दिखा करके फ्री स्कूल कर देंगे, वो कर देंगे, सब कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारी सनातन धर्म जैसे प्रचार हो, हमारी जगत में हिंदू कोई मुसलमान नहीं बने, क्रिश्चियन नहीं बने। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं जगत में हमारी सनातन धर्म भी प्रचार हो। इसलिए आप लोग जो यहाँ कथा सुन रहे हो, बच्चे लोग ध्यान दो, जो यंग बच्चे हैं कोशिश करो आप लोग अच्छे तरह से भागवत को सुनो। हम जो टीचर है ना, इसको स्टूडेंट नहीं बनाता, स्टूडेंट को टीचर बनाता है, टीचर स्टूडेंट नहीं बनाता, टीचर बनाते हैं। हम चाहते हैं इतने ज्ञान की बात बताई, इतने अच्छे तरह से सुना, जैसे आप लोग एक दिन हमारी सनातन धर्म के बारे में समझे और जगत में सबको प्रचार करें। ठीक है ना बच्चे, देखो हम कहीं प्रचार करने के लिए गए थे, एक 10 साल बच्चे, एक लड़के को, बच्चे को देखा पतंग उड़ाते हुए, मैंने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है, अच्छे तरह से सुना आप लोग। उसने जो नाम बताया पता चला ये कोई मुसलमान है। मैंने कहा तुमको कुरान आता है, वो छाती फूला कर बोला हाँ मेरे कुरान आती है। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में कितने साल उम्र से ये कुरान पढ़ाया जाता है, बोले हम मुसलमान धर्म में कंपलसरी 2 साल उम्र, कंपलसरी उसका धर्म है, 2 साल उम्र में उसको कुरान पढ़ना पड़ेगा। हम दिल्ली में उधर जाते हैं ना, शुक्रवार को अपने छोटे छोटे बच्चों को मुसलमान टोपी पहना करके रोड को जाम कर देते हैं, वहां गाड़ी नहीं चल पाती, और उनको उनको मस्जिद जाना ही पड़ेगा शुक्रवार को, उनका नियम है सारे पुरुष मुसलमान को जाना पड़ेगा। इसलिए वो अपना धर्म में इतने पक्के हैं। बताओ तो हमारे हिंदुओं में कौन है व्यक्ति है जो अपना बेटे को बोलते गीता पढ़, कौन ऐसे है जो कहते बच्चे को रामायण तू पढ़, कौन ऐसे है जो बोलते हैं गीता पढ़, कोई बोलते हैं कोई नहीं। स्मार्टफोन दे देते, ले बेटा स्मार्टफोन लो, किसी को हिंदू को पूछो गीता कोई श्लोक याद है नहीं, पूछो कौन हीरो का नाम क्या, हीरोइन का नाम, सब याद करके बैठे, सारे गंदी गंदी चीज सीख कर बैठे, लेकिन हमारे धर्म के बारे में ना कोई निष्ठा नहीं है। इसलिए हम यही चाहते हैं भैया हमारी सनातन धर्म प्रचार हो जगत में। ठीक है ना, आप लोग अच्छे तरह से सुने और अपना बच्चों को लेकर गया क्या करो, जैसे मुसलमान लोग अपना बच्चों को जोर जबरदस्ती लेकर जाकर कुरान पढ़ाते हैं, जोर जबरदस्ती। अभी हम जम्मू से कथा करके यही डायरेक्ट आ रहे हैं, वहां पर एक हम जहाँ रह रहे थे ना वहां पर मस्जिद है, सवेरे 5 बजे से ना सारे बच्चों को हे हल्लाना शुरू हो जाता माइक में, क्यों सारे मुसलमान बच्चे अपना बच्चों को ले आते हैं, मुसलमान ला करके वहां पर सवेरे 5 बजे उनको दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। बताओ तो हमारे हिंदू में इस कौन सा बच्चे 1 बार भी गीता पढ़ते, बोलो कौन पढ़ता है, सारे गंदे गंदे बच्चे को उल्टा पुल्टा चीज सिखाएंगे, कोई धर्म कर्म। इसलिए हमारे धर्म तो नीचे जा रहे हैं, मुसलमानों का धर्म क्यों ऊंचा हो रहा है, क्यों उनका एकत्रित है, बचपन से उनको ये डालते हैं संस्कार डालते हैं। कौन हमारे हिंदू बचपन में संस्कार कौन डालता है बच्चों को, कोई डालते हैं बोलते हो। किसी ने एक बार हमारे बड़े गुरुजी के पास में आए, बोले गुरुजी बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे घर घर की बात सुन, बच्चे बात नहीं सुनते। गुरुजी ने कहा बेटा रामायण कभी पढ़े हो, बोले नहीं, बोले बच्चे को कभी बुलाया बोले हो रामायण पढ़ने के लिए, बोले नहीं, बोले जो पढ़ेगा नहीं पढ़ाएगा नहीं यही तो दुर्गति होगी। कहाँ पर लिखा हुआ पिता माता के आदेश पालन करो, कहाँ पर लिखा हुआ पिता माता की सेवा करो, रामायण में लिखा हुआ है। कहते प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पित गुरु नमई माता, ठाकुर जी सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते थे, भगवान स्वयं दशरथ महाराज की सेवा करते थे। बताओ भगवान राम कितना साल के लिए पितृ आदेश पालन करने के लिए जंगल में गए थे, बताओ तो कौन बोलेगा, अरे बोलो जोर से 14 वर्ष। अपना बेटे को बोलो 14 दिन के लिए मेरे आदेश पालन करने के लिए कहीं जा, बताओ तुम्हारे बेटा जाएगा कि नहीं, वो हनीमून मनाने जा सकता है,
लेकिन पिता माता की आदेश पालन करने के लिए नहीं जाएगा। कारण इसमें कमी हमारी कमी है, हमने बच्चों के ऊपर कोई संस्कार नहीं डालते, इसलिए हम चाहते हैं भैया सब बच्चों को लेकर के आओ। ठीक है, सब अपना अपना बच्चों को लेकर आना। ये जो बच्चा जो पहले बोल रहा था ये बीटेक किया है, अभी जो पहले जो बोल रहा था बीटेक किया हुआ है जो बच्चा बोल रहा था, और ये सप्तवरी इंजीनियर था, ये सब नौकरी छोड़ करके हमारे सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए हम इनको बड़ा सिखा रहा हूँ खड़े होकर के, ये भी सीखे और जगत में हमारे सनातन धर्म को प्रचार करे। ठीक है, अभी हमारे श्री मनोज भैया ये भी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं उनको भी कुछ सिखा करके ये भी जगत में हमारी भगवान की धर्म हमारी गीता रामायण को जगत में प्रचार प्रसार करे। ठीक है ना, आप लोग सब मिल करके करो, सारा दुनिया भगवान के नाम कीर्तन में गूंज उठे और सब लोग संसार में सुखी और शांति में रहे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि श्रीमद् भागवतम का अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा है, और जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्री भागवत कथा है वो हमारे लिए सुलभ हुई है, हम उसे श्रवण कर रहे हैं पिछले दो दिनों से। अभी श्रवण कर रहे थे हम किस प्रकार यजन्ति ही सुमेध सब, जो लोग बुद्धिमान हैं उन बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि किसकी आराधना करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ऐसा पुराण है जो सर्वोत्कृष्ट उपास्य देव अर्थात भैया पूजा करें तो किसकी करें उसके बारे में निरूपण करता है। बतला रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक जो काफी तीव्र बुद्धि के होते हैं काफी बुद्धिमान, और एक जो थोड़ी अल्प बुद्धि। तो जिनकी बुद्धि कम है जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं अलग अलग वस्तु प्राप्त करने के लिए, है ना। गीता में भी भगवान ने कहा है कामस्तत्व प्रबंधेते यजन्ते अन्य देवता, कि सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन करते परीक्षित महाराज को कि ये सुनो, यदि कोई ब्रह्म तेज प्राप्त करना चाहता हो तो वो ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता है ना, हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे आया सोमवार चलो शंकर जी के भोले बाबा के पास जाके जल चढ़ाएंगे, है ना। स्त्रियां तो विशेष करके जो लड़कियां होती है जाके अगर 16 सोमवार रख लिए तो भगवान बढ़िया पति देंगे वर देंगे, है ना। तो सोमवार आते हैं शंकर जी, पर जैसे ही मंगलवार चालू हुआ शंकर जी गए कहां, नवरात्रि बालाजी की, हनुमान जी की पूजा आरंभ कर दी। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर एक एक चीज का वर्णन कर रहे हैं कि जो लोग ब्रह्म तेज प्राप्त करना चाहते हैं वो ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, जो लोग श्री पैसा चाहते हैं वो देवी दुर्गा की उपासना करते हैं, जो लोग निरोगी काया चाहते हैं वो लोग स्वर्ग के अश्विनी कुमार उनकी उपासना करते हैं, जिन लोगों को लक्ष्मी चाहिए वो देवी लक्ष्मी की उपासना करते हैं, जिन लोगों को इस जगत में यश चाहिए वो इंद्र की उपासना करते हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी अलग अलग देवताओं का वर्णन कर रहे हैं, भैया ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। परीक्षित महाराज ने विरक्त होकर मानो प्रश्न किया यहाँ पर कि आपके पास क्या कोई ऐसे देवता है जिनकी पूजा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाए। तब उस समय पर श्री सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर रूप में वर्णन करते हैं, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार की तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ति पुरुष परम। कह रहे हैं अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार थी, उदार थी अर्थात जो श्रेष्ठ है जो बुद्धिमान है, जिन लोग की अल्प बुद्धि है वो तो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करेंगे, लेकिन जो सचमुच में बुद्धिमान है वो क्या करेंगे, और उनके हृदय में कामनाएं हैं क्या, अकाम अर्थात जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है, उसने मान लिया है, उस समझ गया है कि ये संसार दुखालय है और इस संसार की प्रत्येक वस्तु से दुख ही प्राप्त होगा। अभी हम श्रवण कर रहे थे ना किस प्रकार इस संसार की हर एक वस्तु से जो प्राप्त होने वाला आनंद है वो क्षणिक है। रसगुल्ला खाओ, पहला बड़ा मीठा लगता है, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा और भी कम, धीरे 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 आनंद घट गया। स्मार्टफोन को ही खरीदो, शुरू शुरू में बड़ा एक्साइटमेंट रहता है चलाने का, लेकिन धीरे 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 उससे भी मन उठ जाता है, है ना। कोई बहुत बढ़िया मूवी आई है, थिएटर में जाएंगे, ब्लैक में भी यदि टिकट मिल रहा है तो ब्लैक में लेके खरीदेंगे, लेकिन 3-4 बार उसे देख ली, देखने के बाद में उतनी अच्छी नहीं लगती। तो इस जड़ जगत के सारे आनंद नीचे नहीं धीरे 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 घटने वाला है। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ चुका है और जिसके हृदय में और कोई कामनाएं नहीं है, अकाम और कह रहे हैं सर्व काम, जिसने इस बात को अभी समझा नहीं है उसकी बड़ी सारी कामनाएं हैं,
पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, परिजन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, इस संसारिक वस्तुओं में बड़ा आसक्त है, तो मानो ये सारी कामनाएं भी उसकी ठीक है। मोक्ष कामुदारती अर्थात जिसे मोक्ष चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, भगवत भक्ति चाहिए, कहते हैं अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारती, अगर ये तीनों भी प्राप्त करना हो क्या करो, तिव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम पर, अर्थात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करो, भगवान कृष्ण की आराधना करने से सब चीज प्राप्त हो जाएगी। कहते ना तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, आपने अगर भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर लिया, उनकी यदि भक्ति करी, तो सारी देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे समझो, जैसे हमारी पहचान मोदी जी से है ना, मोदी जी से हमारी खास पहचान है, तो अगर हमारी मोदी जी से पहचान है तो हमें कोई छोटे मोटे स्टेट्स के एमएलए या मिनिस्टर्स से उनके चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोदी जी का बस नाम लिया और उससे काम हो जाएगा, हाँ कि ना। उसी प्रकार बताया भगवान कृष्ण है मूल, भगवान कृष्ण है सभी देवताओं के आराध्य, यजेत पुरुषम पर, परम पुरुष भगवान कृष्ण है और सारे देवी देवता उनके अंडर में है। जैसे मोदी जी ने हर एक को नियुक्त कर रखा है, भैया तुम जो है वित्त मंत्री हो, तुम जल मंत्री हो, तुम ये मंत्री हो, तुम वो मंत्री हो, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने ही सभी देवताओं को नियुक्त किया है अलग अलग सेवा में। जो वरुण देव है वो पानी का डिपार्टमेंट संभालते हैं, जो पवन देव है वो वायु का डिपार्टमेंट संभालते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान कृष्ण ने अलग अलग देवताओं को नियुक्त किया है। अगर हम भगवान को संतुष्ट कर लें, अगर कृष्ण की भक्ति करी, तो उससे सब संतुष्ट हो जाएंगे। एक उदाहरण के माध्यम समझाते हैं, देखो जैसे पेड़ है, एक पेड़ के हम जड़ में पानी दे, अगर पेड़ की जड़ में पानी दे तो स्वतंत्र रूप से उसके पत्ते में फूल में पानी देना क्या आवश्यकता पड़ती है, भैया जड़ में पानी दोगे तो जड़ तो पानी सोख के और सब जगह पहुंचा देगी, है ना। कहते हैं यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, जैसे तर की, जैसे तरु की जड़ में पानी देने से सारी उसकी शाखाएं, सारे उसके पुष्प पल्लव सब प्रसन्न हो जाते हैं, सबको आहार मिल जाता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण की जो सेवा करते हैं उससे सब संतुष्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर कोई लोग संशय करते हैं कि भैया कोई कोई लोग को देखा है पेड़ के पत्तों में भी पानी छिड़क देते हैं, तो दूसरा उदाहरण देते हैं कि खाना खाते हो, खाना तो मुंह में ही खाते हो ना, मुंह से खाना खाते हैं पेट में चला जाता है। अब यदि कोई विचार करे कि नहीं मेरे हाथों से का मैं क्या करता हूँ, सारी सेवाएं करता हूँ, पैरों से मैं चलता हूँ, तो थोड़ा हाथ काट के और हाथ में दाल भर दो। कोई कहे यदि कि मैं आंखों से देखता हूँ, इन आंखों के अंदर भी थोड़ी सी चटनी डाल दो। अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग तरह से आहार देता है कोई, जिस प्रकार मुंह में खाना खाने से, जैसे पेट में अगर खाना गया वो सभी इंद्रियों को बल प्रदान करता है, उसी प्रकार अच्युतेज्य कहते हैं भगवान अच्युत कृष्ण की यदि किसी ने सेवा करी, भगवान कृष्ण को यदि किसी ने संतुष्ट कर लिया, तो उससे सारी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसको सब चीज प्राप्त हो जाती है। आप देखो भागवतम में जिस की कथा आती, जैसे अमरीश महाराज भगवान कृष्ण के भक्त थे, अमरीश महाराज ससागर पृथ्वी के राजा थे, महाराज है ना, जैसे आए युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज तो महाराज थे, उनके जो महाराजा जो राजा महाराजा है उनके पास से किसी चीज की कमी है। कृष्ण के कितने इस भागवत में जिन जिन की भी कथा आती सब महाराज है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, भगवान कृष्ण की तो भक्ति करी ना, तभी जाकर भगवान ने उनको सब चीज दे दिया, पुत्र परिजन धन दौलत ये सब चीज पीछे 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 आ जाएगी, है ना। अगर भगवान को संतुष्ट कर लिया, भगवान की भक्ति यदि करी, तो सब चीज हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित तुम कुछ मत करो, एकमात्र भगवान कृष्ण को संतुष्ट करो, भगवान कृष्ण का भजन करो, और कैसे, भक्ति सर्व काम व मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन, कहा कि ज्ञान कर्म यज्ञ तपस्या इन सब के लिए नहीं कहा, भगवान की भक्ति के लिए कहा। एकमात्र भक्ति से जैसे संतुष्ट होते हैं भगवान, वैसे अन्य साधन से नहीं होते। यदि कोई चाहे भगवान को तपस्या से संतुष्ट करना, अभी सुन रहे थे ना कलयुग के अंदर वो संभव नहीं है, यदि कोई ध्यान करे, यदि कोई यज्ञ करे, कहते हैं भगवान इससे भक्ति से जिस प्रकार संतुष्ट होंगे, इन सब साधनों से संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए बताया भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति वश पुरुषो, भगवान भक्ति के इतने वशीभूत हैं कि जिसके हृदय में भक्ति विराजमान है ठाकुर जी स्वयं खींचे चले आते हैं।
है ना। इसलिए भक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है, भगवान कृष्ण ही सर्वोत्कृष्ट उपास्य देव है। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। बोले जो दूसरे दूसरे देवा देवी है सबसे भक्तिमान हनुमान जी, इनके कृपा के बगैर राम भक्ति नहीं मिल सकती। माता देवी अभी जैसे नवदुर्गा है ये वैष्णव है, इनकी कृपा से ही भगवान के प्रेम की जोग माया, एक तरह से जोग माया जो जीव को भगवान से जोड़ते हैं। इसलिए गोपियाँ भी इनकी पूजा करती थी। क्या बोलती थी? बोले कात्यायनी महामाये महाजोगिन नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियाँ क्या करती थी? नंद गोप लाला कृष्ण चरण में हमारी भक्ति हो, उन्हें हमारे पति रूप में मिले, उन्हें ठाकुर को ठाकुर जी प्रेम दिया है। भोले बाबा कौन है? ये परम वैष्णव है, इनकी कृपा से भगवान की भक्ति मिलती है। इसलिए जितने 33 करोड़ देवता से क्या मांगो? ठाकुर की चरण में प्रेम मांगो, ठाकुर को भक्ति मांगो, ये जल्दी जल्दी खुश होकर भगवान की भक्ति देते हैं, ठाकुर जी का प्रेम ये सब देते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ प्रभु जी एक भजन गाएंगे। और देखो मैं कल बताया था जितने माताएं और भाई लोग आते हो, जब आओ कम से कम 10-10 भक्तों को लेकर के आओ, मैंने कल बताया था ना, बताया कि नहीं? और मैंने बताया था आप जिसको लेकर के आओगे उनको जो पुण्य मिलेगी, जो लाने वाला को आधा पुण्य मिल जाएगी, इतने महत्व हैं। अभी बताए ना, हम चाहते हैं हमारी सनातन धर्म प्रचार हो, सनातन धर्म प्रचार हो। देखना अगर मुसलमान का कोई तीर्थ यात्रा होता ना, ये सारा दुनिया के हाई होल्ला करके सबके सब यहाँ इकट्ठे हो जाते पूरा के पूरा। अरे हमारा तो सनातन धर्म है, भागवत धर्म है, अगर आप लोग तो उजागर करोगे नहीं तो क्या होगा? धीरे 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 जैसे कश्मीर को छोड़ करके सारे हिंदू भगे कहाँ पर आए? अलग अलग जगह पर बैठी गए हैं। अब देखना एक एक करके मुसलमान धीरे धीरे हमारे राज्यों को दखल कर रहे हैं, धीरे धीरे सारे धीरे धीरे दखल। अगर भारत से भगा दोगे तो कहाँ रहोगे? इधर सुना, मैंने सुना है ये जो पहाड़ में आकर के जो बैठे, कौन बैठे हैं? कोई बोल रहे थे जो मुसलमानों ने हमारी हिंदू स्त्रियों का इज्जत नष्ट कर रहे थे, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, उसी समय में हिंदुओं ने अपना बहू बेटियों को इज्जतों को बचाने के लिए जा जाकर छुप छुप कर कहीं पहाड़ में जाकर छुप गए। मैंने यही सुना है, बोल रहे थे। अगर आप लोग नहीं जगाओगे ना, किसको नहीं लाओगे हमारे हिंदू धर्म का प्रति, सनातन धर्म भी नहीं बढ़ाओगे ना, यहाँ से भी भगा देंगे तुम लोग। फिर कहाँ जाओगे बताओ? ये भारत छोड़कर जाओगे कहाँ? इसलिए अपना हिंदू धर्म का प्रति जागृत हो, हम यही चाहते हैं हमारी सनातन धर्म जागृत हो, सर्वश्रेष्ठ हो, यही चाहते हैं। इसलिए क्या करो, सबको बुला बुला करके लाओ। बोले चलो हमारी भागवत कथा हो रही है, हमारी हिंदू धर्म प्रचार हो रही है, चलो सबके सब चलो, ठीक है ना। और जितने यंग बच्चे यहाँ पर बैठे हो, अभी जो बच्चा अभी खड़ा हुआ था ना, ये आपके लिए अच्छे अच्छा अच्छे क्लास देते हैं। एक क्लास है, सुनो ध्यान से, इसका नाम है सर्च फॉर हैप्पीनेस, हम सुख कैसे मिलेगा। दूसरी क्लास है डज गॉड एग्जिस्ट, क्या सचमुच से भगवान है कि नहीं। कुछ कुछ तो कहता है भगवान भगवान किसने देखा, जो चीज देखा नहीं वो चीज को कैसे, इसी पर क्लास देते हैं। हुआ माई, मैं कौन हूँ, असलियत हम शरीर ना आत्मा है, ये सब विषय पर इस बच्चे क्लास देते हैं अलग अलग जगह पर, अगर हम चाहेंगे, क्योंकि आप लोग तो पुराना लोग हैं, आप लोग अंदर भक्ति। अभी जो नए जनरेशन आ रहे हैं ना, बड़े नास्तिक बनते जा रहे हैं, ये स्मार्टफोन उल्टा पुल्टा चीज को व्यवहार करते करते सब भ्रष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए चाह रहे हैं कि आप लोग जो अच्छे जो लिखे बड़े लड़के हैं, जो लिखे बड़े लड़कों के लिए एक लोग क्लास देते हैं। आप लोग चाहते हो तुम्हारी बच्चे भक्ति करे, भगवान की सेवा करे, तुम्हारी भी सेवा करे, अगर चाहते हो ना, लास्ट का जो 3 दिन है, ये लास्ट का 3 दिन ये क्लास देगा। तुम अभी प्रचार करो, तुम लोग इसी 2-4 सब्जेक्ट ऊपर में ये क्लास देंगे, जो नए जो बच्चे हैं अच्छे तरह से जो समझने वाले ये। इसलिए आप लोग सब बच्चों को बोलना लास्ट 3 दिन ये क्लास को बाद में आधा आधा घंटा नहीं तो 1-1 घंटा, वो जो बच्चों के लिए जो यंग जनरेशन है
उनके लिए ये बच्चे सब दोनों मिलकर क्लास देंगे, इनके लाइव ही क्लास देंगे, ठीक है। सबके सब अपना बच्चों को बुला करके लाना। देखो घर में अगर एक बेटा प्रभु का भक्ति करे ना, उसको 21 सिकुड़ी उधार हो जाता है, भगवान खुद कहते हैं। पिता माता की जीवन धन्य हो जाता है, ये पृथ्वी धन्य हो जाती है, और जो पितृपुरुष वो भी प्रसन्न होते हैं। हमारे घर में भक्ति करने वाले बच्चे जन्म हुए हैं, ठीक है। आप लोग जितना दूर हो सके हम तो देने के लिए कोशिश करेंगे, आप लोग जितना दूर हो सके ले पाओगे तो बढ़िया है, आपका ही जीवन कल्याण होगा, ठीक है। प्रभु जी एक बढ़िया भजन का, अरे कल कोशिश करना सबको लेकर के आना सबके साथ। हाँ एक बार खड़े हो जाओ, प्रभु जी भजन गाएंगे, नाचने वाले सब ठाकुर का दरबार में, ठाकुर का भजन में नाच लो सबके सब। Yeah.
देखे